आफ्टरनून मेरे दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून काव्या, वेरी गुड आफ्टरनून मंजू, सूजल, काजल, आयुषी, वंश 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 वंश, हे विकी, कौशल, हाउस कैटरीना, ऑल इज वेल, ओ ग्रेट, गुड आफ्टरनून अंकित, गुड आफ्टरनून मिताली, गुड आफ्टरनून प्रज्वल, गुड आफ्टरनून अनन्या, गुड आफ्टरनून केशव, मानसी, प्रियंका, धनंजय, साहिल, नीलेश, आयुष, सुभाष, निहारिका, अर्पित, वेरी गुड आफ्टरनून मेरे दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। सर आप कैसे हैं? मैं तो एकदम मस्त मौज बहार, एकदम बहुत बढ़िया हूँ। आप सब सुनाएं? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। चलो जी आ जाओ मेरे दोस्तों फटाफट से। और अब अपनी क्लास नंबर, आज हमारी 4 है। आज हमारी कौन सी क्लास है? आज हमारी टेक्स्ट की क्लास नंबर 4 आज हम फाइनली स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्लास नंबर 4 में हम स्टार्ट करने से पहले आपसे ये पूछ लेते हैं कि लास्ट क्लास में कोई डाउट है तो बता दो जी। हाँ जी, लास्ट क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे फटाफट से बता दो। लास्ट क्लास में अगर किसी को डाउट है जी फटाफट से बताओ यार, लास्ट क्लास में कोई डाउट तो नहीं है? नो सर, नो सर नहीं है। चलो नहीं है सर, नीलेश ने भी बोल दिया नहीं है डाउट। ओके, नो डाउट। ज्योति नो डाउट, सूजल नो डाउट। नोट्स बनाते टाइम सब रिवाइज हो जाता है। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, रापचिक। चलो जी, फिर अगर कोई डाउट नहीं है ना तो आगे चलना है फिर, ठीक है जी। अगर कोई डाउट ना है तो हम आगे चलें। आ जाओ मेरे बच्चों, इधर देखो ध्यान से अब, ठीक है। अब लास्ट क्लास में आई थिंक हम जो कर रहे थे, एक तो हमने लास्ट क्लास में ओल्ड टैक्सेस में क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। उसके बाद फिर इंडिया की डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी कि इंडिया की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, क्या स्टेट आएगा, क्या यूटी होगा। फिर पानी पर कौन सा जीएसटी लगेगा, आपने बहुत सारी डुबकियाँ पानी में लगाई थी, ठीक है जी। फिर हमने देखा था कि कोई भी WGST एप्लीकेबल नहीं होता, होता है तो CGST प्लस में SGST होगा या IGST होगा। फिर हमने कहा था कि वो डिपेंड करता है वो पानी किस स्टेट के पास आ रहा है। फिर अगला मैंने कहा था कि अगर सप्लाई हो रही है 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में तो फिर उसको हम OT मानते हैं, OT को हम UT मानते हैं, उसके बेस पर वहां पर GST एप्लीकेबल होता है। ये पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है। फिर ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या लिमिटेशंस थी, तो सबसे पहले मैंने कहा था मल्टीपल टैक्सेस एप्लीकेबल होते हैं, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट एप्लीकेबल होते हैं। पुराने जमाने में कैस्केडिंग होता था, डबल टैक्सेशन होता था, अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, फिर कंप्लाइंस बर्डन ज़्यादा होता था, रेट आपके ज़्यादा होते थे, तो कई सारी प्रॉब्लम्स पुराने टैक्सेस के अंदर होती थी। फिर मैंने कहा था ओल्ड टैक्सेस को खत्म करके इंडिया में GST आ गया, तो GST में उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया गया जो प्रॉब्लम्स आपकी ओल्ड टैक्सेस के अंदर होती थी। तो वो सारी बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, ठीक है। उसके बाद फिर जाते जाते मैंने कहा था कॉन्सेप्ट नंबर 10। अब कॉन्सेप्ट नंबर 10 जो हमने लिखा था वो हमने लिखा था लॉ मेकिंग अथॉरिटी, मतलब GST को बनाने वाली अथॉरिटी कौन सी है, वो आज वाली क्लास में हमने डिस्कस करना है। और होपफुली चैप्टर नंबर 1 का लास्ट कॉन्सेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें से कंफर्म एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। चलो आ जाओ मेरे दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से आओ। अब जो आज हमें यहाँ पे टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन सी है GST को बनाने वाली, कि जो भी तुम्हारे इंडिया में GST का लॉ आया वो GST का लॉ बनाने वाला कौन है। भाई GST का लॉ बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, या GST का लॉ बनाने वाली स्टेट गवर्नमेंट है, या दोनों ने मिलकर GST का लॉ बनाया, किस तरह से इंडिया में GST का लॉ बना है, वो सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है। अब एक बच्चे का डाउट आ रहा है, बच्चा कह रहा है सर मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। अरे मेरे दोस्त एक बात मेरे को बता, अगर इतने सारे टैक्सेबल इवेंट होंगे तो आपको हर टैक्सेबल इवेंट को समझना नहीं पड़ेगा क्या? एक्साइज लगेगा मैन्युफैक्चरिंग पर, तो मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन पहले समझो। सर्विस टैक्स लगेगा सर्विस पर, तो सर्विस की डेफिनेशन समझो। वैट लगेगा सेल पर, तो सेल की डेफिनेशन पहले समझो। जब इतनी सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी तो दिक्कत तो आएगी ना मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम थी मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट में, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मेरे को सारे के सारे बच्चे का आंसर दें। हम सब जानते हैं इंडिया में जो जीएसटी बना ना, इंडिया में जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, इंडिया में जीएसटी आया। फिर मैंने कहा 8 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में जीएसटी आ गया इंक्लूडिंग जेएनके, ठीक है ना। मतलब 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया इंडिया पर एक्सक्लूडिंग जेएनके, और 8 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया पर जीएसटी आ गया इंक्लूडिंग जेएनके। ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। फिर इंडिया में जीएसटी क्यों आया, पुराने टैक्सेस में क्या क्या प्रॉब्लम थी, वो सारी हमने प्रॉब्लम समझी कि ओल्ड टैक्सेस में क्या क्या प्रॉब्लम थी। फिर मैंने कहा जी जो प्रॉब्लम ओल्ड टैक्सेस के अंदर थी उसका सॉल्यूशन क्या है, उसका सॉल्यूशन है जीएसटी। भाई जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम ओल्ड टैक्सेस में निकल के आ रही है उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडिया में जन्म दिया जीएसटी को। तो एक यहाँ पे टैक्स इंसर्ट किया गया, उसको हमने क्या बोला, जीएसटी। अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम्स थी ओल्ड टैक्सेस के अंदर, वो मुझे पता है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है वो मुझे पता है। भाई सिंपल सी बात है, क्या क्या कमी है ओल्ड टैक्सेस के अंदर मुझे पता है, उन कमियों का सॉल्यूशन क्या है वो मुझे पता है। भाई मुझे पता है भाई मल्टीपल टैक्स है, मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट है, कैस्केडिंग है, डबल टैक्स है, इन सब का प्रॉब्लम जीएसटी है, ये मुझे पता है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम्स क्या है मुझे पता है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है वो मुझे पता है, बट जो सॉल्यूशन है उसको लाए कैसे। भाई सिंपल सी बात यह निकल के आ रही है, आज अगर इंडिया में जीएसटी लेकर आना है तो जीएसटी लेकर आने वाला कौन है, और जो भी जीएसटी इंडिया में लेकर आया उसको पावर कहां से मिली है। भाई सिंपल सी बात है, किसी ना किसी को तो पावर मिली होगी ना जीएसटी का लॉ लेकर आने की। भाई गवर्नमेंट ने ऐसे तो है नहीं कि आंखें बंद की, भगवान ने कहा तथास्तु, जीएसटी आ गया, जीएसटी आ गया। भाई किसी ना किसी ने तो जीएसटी को बनाया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया होगा, पार्लियामेंट ने बनाया होगा, स्टेट असेंबली ने बनाया होगा, सीबीआईसी ने बनाया होगा, प्रेसिडेंट ने बनाया होगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बनाया होगा। तो किसने जीएसटी का लॉ बनाया, मुझे पता है कि मेरे में ये कमी है, मुझे पता है इन कमियों का सोल्यूशन ये है, बट इन कमियों के सोल्यूशन तक अगर मेरे को जाना है उस सोल्यूशन को लेकर कैसे आए। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आज की क्लास में हमें यह डिस्कस करना है कि जो हमारा इंडिया में जीएसटी आया उसको लेकर आने वाला कौन है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं एक क्वेश्चन तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछने का सबसे बड़ा रीजन ये है, मुझे नहीं पता आपको आइडिया यह नहीं आता कि इंडिया में जितने भी लॉज बनते हैं ना वो सारे के सारे लॉज बनते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई सबसे बड़ा जो है वो हमारा सबसे बड़ा संविधान है। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, कल दिल्ली में क्या हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की। आप सब जानते हो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया एक ही होता है, उससे बड़ी अथॉरिटी कोई भी नहीं होती। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास की कि जो दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी, उनको जमानत दे दी जाए। अब उन्होंने बोला कि इनको जमानत दे दी जाए, इनको अब जेल में हम नहीं रख सकते, इनको हम बेल पे रिहा कर रहे हैं, इनको हम जमानत दे रहे हैं। भाई सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या जजमेंट पास कर दी कि इनको हम जमानत दीजिए, और जो इन्होंने बेल ऑर्डर पास किया वो ऑल ओवर इंडिया पर एप्लीकेबल है। कोई भी हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके अगेंस्ट ऑर्डर पास नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने के बाद कल बेल ऑर्डर दिया कि हम मनीष सिसोदिया जी को यहाँ पे रिहा कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जैसे ही मनीष सिसोदिया रिहा हुए, तो अगर आपने देखा होगा न्यूज में जब उन्होंने स्पीच देना स्टार्ट किया तो उनकी स्पीच में बार बार एक बात आ रही है कि तानाशाहों ने तो मुझे मार दिया था, मुझे इंडिया के संविधान ने बचा लिया। तानाशाहों ने तो मुझे जेल में डाल दिया था, मुझे इंडिया के संविधान ने बचा लिया। तानाशाही तो हर जगह चल रही थी, मुझे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने बचा लिया। वो ये लाइन बार बार बोल रहे हैं कि संविधान ने बचा लिया, संविधान ने बचा लिया। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वहां पर आई थिंक रेगुलेशन नंबर 21 है या कोई रेगुलेशन है, मेरा रूल नंबर 21 है, जिसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबको बेल का अधिकार है, मतलब बेल सबका राइट है और जेल एक एक्सेप्शन है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी भर तुम किसी को भी जेल में रख लोगे, ऐसा तो नहीं है ना। भाई तुम्हारा केस 20 साल खत्म नहीं होगा, तुम 20 साल उसकी जिंदगी के जेल में थोड़ा डाल दोगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई जेल एक एक्सेप्शन है, बेल एक राइट है, और हर एक आदमी को जीवन जीने का अधिकार है। अगर दुनिया के अंदर आया तो वो जीवन जिएगा, उसको अधिकार है वो जिंदगी जिए। तो उन्होंने संविधान का, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या बोला, संविधान का हवाला दिया कि वहां पर एक रेगुलेशन 21 या रूल नंबर 21 है जो ये बात कहता है कि हर एक को बेल मिलनी चाहिए। ये बात सिंपल सी है जी। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आज अगर हमारे इंडिया में कुछ भी चल रहा है ना, वो एज पर संविधान चल रहा है। और इस बार अगर आपको पता हो, जो हमारी जो अपना कांग्रेस गवर्नमेंट है, जो अपना राहुल गांधी और हैं, या अपना जो भी समाजवादी पार्टी है, इन्होंने पूरा इलेक्शन ही की इस बेस पे लड़ा कि अगर बीजेपी आ गई तो ऑब्वियस सी बात है वो संविधान खत्म कर देगी। आप चेक करना, पूरा का पूरा इलेक्शन इस बात पे लड़ा गया कि अगर बीजेपी आ गई तो संविधान खत्म कर देगी। और इस लाइन ने बीजेपी की बहुत सारी सीटें खत्म की हैं। सर, जो बीजेपी को नुकसान हुआ है इस लाइन ने मतलब इतनी लहर दौड़ गई भाई साहब, लोगों के दिमाग में डर बैठ गया कि ये संविधान खत्म तो नहीं कर देंगे, कहीं संविधान में कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी, कहीं जो मतलब जो उन्होंने क्या नाम है उसको जो भी ओसीबीसी और जो अलग अलग तरह के रिजर्वेशन होती है, कहीं वो तो नहीं खत्म कर देंगे, ये बीजेपी वाले कुछ मसला तो नहीं कर देंगे। तो फाइनली आप चेक कर लो सीटों में कितना फर्क पड़ गया। और यूपी में देख लो, यूपी में कितनी सीटें हारे हैं। तो मैंने क्या कहना चाह रहा हूं कि लोगों के दिमाग में एक डर था कि संविधान कहीं खत्म ना हो जाए, संविधान कहीं चेंज ना हो जाए, जबकि बीजेपी बार बार बोल रही थी हम संविधान चेंज नहीं करेंगे। और जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने सबसे पहले संविधान को ही ऐसे किया, ये संविधान दिया, अपने माथे पर लगाया कि भैया इसके बेस पे ही काम करेंगे। बट लोगों के मन में डर बिठा दिया गया कि भैया संविधान को खत्म कर सकते हैं, इसलिए लोगों ने कहा हम बीजेपी को वोट ही नहीं देंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये सारे के सारे मुद्दे किस बेस पे लड़े गए, संविधान के बेस पे। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा, एज पर संविधान हम इनको बेल दे रहे हैं। और मनीष सिसोदिया ने भी बाहर आकर कहा कि संविधान ने मुझे बचाया है, नहीं तो तानाशाहों ने तो मुझे जेल में डाल ही दिया था। तो मैं बार बार ये लाइन तुम्हें क्यों बोल रहा हूं कि इंडिया में जो भी लॉज बनते हैं ना, वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, एज पर संविधान बनते हैं। बिना संविधान के इंडिया में कोई लॉ बन ही नहीं सकता। बिना संविधान के अगर कोई भी लॉ बन रहा है वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब वो व्यर्थ है, वो किसी भी काम का नहीं है, वो लॉ इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं हो सकता। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मैं तुम्हें जीएसटी कैसे आया उससे पहले की थोड़ी सी बैकग्राउंड बताता हूं, ताकि तुम्हें और अच्छे समझ में आए कि जीएसटी आया कैसे है। आप मेरे को बताओगे जब इंडिया में जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, तो इससे पहले इंडिया में ना अलग अलग तरह के टैक्सेस थे। इससे पहले इंडिया में अलग अलग तरह के टैक्सेस होते थे, उसमें से एक टैक्स था सर्विस टैक्स। अच्छा, किस किस बच्चे ने सर्विस टैक्स का नाम सुना है? बस एक बार हैंड रेस कर देना और ये बता देना कि आपने सर्विस टैक्स का नाम सुना है। एक बार हैंड रेस कर दो बस जी। हाँ जी, ऑलमोस्ट सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमने सर्विस टैक्स का नाम सुना है। चलो बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सर्विस टैक्स का नाम सुना हुआ है। अच्छा, नाम से क्या लग रहा है कि सर्विस टैक्स किसके ऊपर लगता था? गुड्स पे लगता था, इनकम पे लगता था, सर्विस पे लगता था। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इंडिया में सर्विस टैक्स था वो गुड्स पे था, सर्विस पे था, इनकम पे था, किस पे था? तो ऑब्वियस ही बात है वो नाम से क्लियर हो रहा है कि सर्विस टैक्स जो था ना वो सर्विस के ऊपर एप्लीकेबल होता था। उसके नाम से क्लियर है कि जो पर्सन सर्विसेज देगा उस सर्विसेज पे सर्विस टैक्स की बात होगी। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा, आप मेरे को बता सकते हो इंडिया में सर्विस टैक्स आया कब था? किसी को अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, अगर आप तुक्का मारो कि जो हमारा इंडिया में सर्विस टैक्स बना वो इंडिया में सर्विस टैक्स किस ईयर में आया था? भाई जो भी हमारा इंडिया में सर्विस टैक्स बना, अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, सर्विस टैक्स का जन्म इंडिया में कब हुआ था? किसी को थोड़ा बहुत आइडिया? 2001 में, आफ्टर 1947। बहुत बढ़िया। 1951, 1956, 1947। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जीएसटी से पहले, क्या बात है आशु, तुम्हारी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। 1990, बहुत बढ़िया। 2006, 2011, 1983, 2002, 3, 4, 5, 6। नालायक हो तो तुम जैसे हो, वरना हो ही ना। इधर सुनो ध्यान से नालायकों, इंडिया में सर्विस टैक्स जो आया वो सन 1994 में इंडिया में सर्विस टैक्स का जन्म हुआ। आज काफी सारे बच्चों ने गूगल पर एक बटन दबाया और गूगल से पूछा कि गूगल अंकल सर्विस टैक्स कब आया? तो गूगल अंकल ने रिप्लाई किया 1994-95 में आया। तो फिर काफी सारे बच्चों ने वो देखकर 1994 यहां पे लिखा। तो पहली बात ये समझो कि इंडिया में जो सर्विस टैक्स है ना वो 1994 में आया था। ठीक है। अच्छा, अब 1994 में सर्विस टैक्स आया। अब मुझे नहीं पता कि आपको पता या नहीं पता, तो 1950 में हमारे देश का संविधान इफेक्ट में आया था। आप सब जानते हो 26 जनवरी 1950 रिपब्लिक डे होता है, उसी दिन हमारा संविधान इफेक्ट में आया था। और जब 1950 में हमारा संविधान इफेक्ट में आया तो हमारे संविधान के रचयिता कौन थे, मतलब किसकी देखरेख में संविधान बना, तो हमारे संविधान के रचयिता जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हमारे संविधान का रचयिता हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने हमारा संविधान बनाया। तो 1950 में जब डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान बनाया, मेरे पूरी क्लास से क्वेश्चन है, तो क्या उनके दिमाग में ये आ चुका होगा कि 94 में सर्विस टैक्स भी आएगा? मैं एक सिंपल सी बात जानना चाह रहा हूं, जब 1950 में डॉक्टर साहब संविधान लिख रहे थे, संविधान जब आया था, तो क्या उनके दिमाग में यह बात आई होगी क्या कि 94 में सर्विस टैक्स भी आएगा? मतलब ही नहीं होता सर, ऐसी दिव्य शक्ति तो भगवान ने किसी को भी नहीं दी कि दिमाग में ये आ जाए कि अगले आने वाले 20 साल के बाद क्या होगा। एक बात और, हमें 6 साल पहले क्या पता था कि 2020 और 21 में कोविड भी आएगा? यार एक बात मेरे को बताओ, तुम्हें आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले ये कोई आइडिया था कि कोविड भी आएगा? इतनी गंदी लहर हो गई, बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव्स को खो देंगे, अपने करीबी लोगों को कोविड के अंदर खो देंगे, ये हाहाकार मचेगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, ये प्रॉब्लम्स होगी, किसी को आइडिया ही नहीं था भाई। मतलब दूर दूर तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी आएगा कि 2-3 महीने सब लोग अपने घर के अंदर रहेंगे, दिमाग में इमेजिनेशन भी नहीं होगी किसी के। तो सिंपल सी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, फ्यूचर देखने की पावर किसी को नहीं है, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर के दिमाग में था ही नहीं कि 94 में सर्विस टैक्स भी आएगा। जब उनके दिमाग में नहीं था कि 94 में सर्विस टैक्स भी आएगा, तो फिर सर्विस टैक्स इंडिया में आया कैसे? क्योंकि जब उनके दिमाग में था ही नहीं तो उन्होंने संविधान में लिखा भी नहीं होगा, जब संविधान में लिखा भी नहीं होगा तो इंडिया में सर्विस टैक्स आया कैसे? और इंडिया में सर्विस टैक्स आने के बाद एप्लीकेबल कैसे हुआ, इफेक्ट में कैसे आया, लोगों से सर्विस टैक्स चार्ज कैसे किया गया? एक बच्चे ने बोला सर अमेंडमेंट आई होंगी इंडिया के संविधान में। आंसर इज नो, इंडिया के संविधान में कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई। तो सबसे बड़ा मुद्दा यह निकल के आ रहा है कि अगर मान लो इंडिया के संविधान में सर्विस टैक्स नहीं था, इंडिया के संविधान में अमेंडमेंट नहीं आई, मैं दोबारा बोल रहा हूं, संविधान में अमेंडमेंट सर्विस टैक्स को लाने के लिए नहीं की गई थी, संविधान में अमेंडमेंट सर्विस टैक्स को लाने के लिए नहीं की गई थी। मेरे पास सुन लो, कोई भी संविधान में अमेंडमेंट नहीं आई थी। तो बच्चा कह रहा है सर ना अमेंडमेंट आई, फिर इंडिया के संविधान में डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने ये नहीं लिखा हुआ था, तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि सर्विस टैक्स आया कैसे, आया तो इफेक्ट में कैसे आया, एप्लीकेबल कैसे हुआ, इतने सालों तक सर्विस टैक्स कैसे चला, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत फाउंडेशन का आइडिया हो, तो शायद आपको आइडिया हो, फाउंडेशन में अपने शायद ये बातें पढ़ी होंगी कि इंडिया के संविधान में टोटल मिला के हमारी 3 लिस्ट होती है। इंडिया के संविधान में एक 7th शेड्यूल है, उस 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आपकी निकल के आती हैं। एक तो लिस्ट नंबर 1 आती है, लिस्ट नंबर 2 आती है, लिस्ट नंबर 3 आती है। लिस्ट नंबर 1 को हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, लिस्ट नंबर 2 को हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और लिस्ट नंबर 3 को हम कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं, ठीक है ना। अब लिस्ट नंबर 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट नंबर 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। फिर लिस्ट नंबर 1 पे जितने मैटर्स लिखे होते हैं उन सब पर लॉ बनाने की पावर जो दी जाती है वो पार्लियामेंट को दी जाती है। हर मेरी क्लास का हर बच्चा ये ध्यान से सुन ले, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कभी भी लॉ नहीं बनाती। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 3 अथॉरिटीज होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव मतलब जिनका काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ बन गया उसको अप्लाई करना, और ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट का मतलब होता है अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो गया उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट आएगा। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ये सारे के सारे ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। तो 3 अथॉरिटी हमारे एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी में सिर्फ 2 लोग होते हैं, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब जितने भी सेंट्रल लेवल के लोग होंगे बनाने वाली होगी पार्लियामेंट, जो भी स्टेट लेवल के लोग होंगे बनाने वाली होगी स्टेट असेंबली। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कभी भी लॉ नहीं बनाती, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर आज तक आपने कहीं सुना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ये लॉ बनाने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये लॉ बनाने वाली स्टेट गवर्नमेंट है, तो आपने गलत सुना है। आई एम सॉरी, आपने वो 100% गलत सुना है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती हैं, वो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं होती। लेजिस्लेटिव या तो पार्लियामेंट है या स्टेट असेंबली है, इन दोनों के अलावा किसी को भी लॉ बनाने की पावर नहीं होती। बनाने के बाद एग्जीक्यूट करने की पावर इनको मिल सकती है, बट बनाने की पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं होती। क्या बात समझ में आ रही है? चलो अच्छा आप सुनो ध्यान से। अब लिस्ट 1 के मैटर पे पार्लियामेंट, लिस्ट 2 के मैटर पे स्टेट और लिस्ट 3 के मैटर पे कॉन्करेंट, जो उसको हम बोलते हैं, इस पे इसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिस्ट 3 के मैटर पे जो होता है वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। मतलब यहाँ पार्लियामेंट लॉ बनाती है, यहाँ स्टेट असेंबली लॉ बनाती है और यहाँ इस मैटर पे दोनों लॉ बनाते हैं। और अगर दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाता है, भाई पार्लियामेंट ने लॉ को बनाया, स्टेट असेंबली ने लॉ को बनाया, दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया, तो गवर्नमेंट कहती है पार्लियामेंट जो होगी वो प्रीवेल कर जाएगी, उस केस में स्टेट प्रीवेल नहीं करेगी। बात समझ आ रही है? तो लिस्ट 1 में कौन बैठी है? पार्लियामेंट। लिस्ट 2 में कौन बैठी है? स्टेट असेंबली। लिस्ट 3 में कौन बैठे है? दोनों। और जहां दोनों अगर कन्फ्लिक्ट, तो कन्फ्लिक्ट हो गया तो प्रीवेल कौन करेगी? पार्लियामेंट प्रीवेल करेगी। बस ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि सर्विस टैक्स आया कैसे? अब देखो सर्विस टैक्स की ना कहानी सुना, सर्विस टैक्स इंडिया में कैसे आया, क्योंकि अगर सर्विस टैक्स की कहानी आपको समझ में आएगी तभी आपको जीएसटी की कहानी समझ में आएगी। उसके बिना जीएसटी की कहानी समझ में आ ही नहीं सकती। वो सारी बातें फिर रटने वाली होंगी, समझने वाली नहीं होंगी। और मैं आपसे माफी चाहता हूं कि मैं आपको रटवा के नहीं पढ़ा सकता, चाहे मेरे 2 लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाएं, मैटर वो नहीं करता। बट जब तुम्हारा बैच खत्म हो, तुम्हारे दिल से एक बात निकले कि हमने कुछ टैक्स में पढ़ा है, हमने कुछ समझा है और गाबा सर ने मजे दिलवा दिए। ये नहीं यार कुछ बातों को हमें रट्टा मारना पड़ गया, वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो जब इंडिया में सर्विस टैक्स 94 में आया, तो सर्विस टैक्स आया कैसे पहले वो सुनो। अब क्या हुआ, जब 94 में इंडिया में सर्विस टैक्स आया तो आपका उस जन्म आई थिंक उस टाइम हुआ नहीं था। आप में से आई थिंक 100% बच्चा उस टाइम पैदा ही नहीं हुआ होगा। तो हुआ क्या, 1991 से लेकर 1994 तक देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो थे वो थे MMS, दैट इज मिस्टर मनमोहन सिंह जी, या यूं कहें SMS सरदार मनमोहन सिंह जी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। MMS हो गया या SMS हो गया, मिस्टर मनमोहन सिंह जी हो गया या सरदार मनमोहन सिंह जी हो गया, ये हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि इनके जैसा फाइनेंस मिनिस्टर कोई नहीं बन सकता। ये बहुत बड़े, ये लगा लो इकोनॉमिक्स थे, इनको बहुत अच्छी इकोनॉमिक्स की नॉलेज थी। बट वो बात, ये भी बात किसी छुपी नहीं है, ये हमेशा चुप रहते थे, ये किसी के कहने पर काम करते थे। बट बिलीव में जितनी नॉलेज इनको थी उतनी नॉलेज किसी को नहीं थी। और आप सब जानते हो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की एंट्री हुई 91 में, इंडिया ओपन इकोनॉमी के अंदर आया 91 में। ये बातें आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ी होंगी। तो इनकी नॉलेज बहुत बढ़िया लेवल की थी, ठीक है। अब क्या हुआ, 91 से लेके 94 तक देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उस टाइम ना देश में काफी प्रोटेस्ट चल रहे थे। अब उस टाइम देश में काफी प्रोटेस्ट ये चल रहे थे कि 1991 से 94, मतलब 94 से पहले सर्विस देने पर कोई भी टैक्स था ही नहीं। अब सर्विस देने पर कोई टैक्स था नहीं और गुड्स की सेल करने पर वैट था, गुड्स की सेल करने पर CST था, मैन्युफैक्चरिंग करने पर एक्साइज था। अब जितने भी गुड्स वाले थे ना, जो भी गुड्स वाले थे, उन्होंने क्या किया भाई साहब, अनशन कर दिया। उन्होंने कहा मनमोहन सिंह मुर्दाबाद, मनमोहन सिंह मुर्दाबाद, मनमोहन सिंह मुर्दाबाद। या तो गुड्स पे टैक्स हटाओ या सर्विस पर भी लगाओ, या तो गुड्स पे टैक्स हटाओ या सर्विस पर भी लगाओ, या तो गुड्स पे टैक्स हटाओ या सर्विस पर भी लगाओ। ये भाई साहब जगह जगह पोस्टर छप गए कि या तो गुड्स पे टैक्स हटाओ या सर्विस पर भी लगाओ। अब सरदार साहब ने कहा ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है भाई, सर्विस पर टैक्स अभी तक तो है नहीं, हम कैसे लगा दें, और गुड्स पर टैक्स हटा नहीं सकते क्योंकि इंडिया पहले ही गरीब देश है, इंडिया को तो रिवेन्यू चाहिए भाई, इंडिया कोई डेवलप्ड कंट्री तो है नहीं कि हम टैक्स छोड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या निकल कर आई भाई, गुड्स पर टैक्स हटा नहीं सकते, सर्विस पर टैक्स लाना तो चाहते हैं बट लाए कैसे, क्योंकि पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो सरदार साहब बहुत गहन चिंता में थे। तो सरदार साहब चिंता में क्या होता है, इंसान कभी ऐसे घूमता है, कभी ऐसे घूमता है, कभी ऐसे घूमता है। तो चिंता में सरदार साहब घूम रहे थे। अब जब चिंता में सरदार साहब घूम रहे थे तो उस टाइम एक पर्सन थे, उन पर्सन का नाम था डॉक्टर राजा जे चेलैया। क्या नाम था? डॉक्टर राजा जे चेलैया, उन डॉक्टर का नाम था। तो डॉक्टर साहब सरदार साहब के पास आए, उन्होंने बोला सरदार साहब बड़ी टेंशन में लग रहे हो, क्या चक्कर है, कुछ मतलब सब कुछ सही तो है ना। तो डॉक्टर साहब ने बोला जी टेंशन ये है कि पब्लिक बहुत अगेंस्ट हुई पड़ी है, पब्लिक कह रही है गुड्स पे टैक्स हटाओ या तो सर्विस पे भी लगाओ। अब हमें ना ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सर्विस पे टैक्स लाना तो चाहते हैं बट सर्विस पर टैक्स लाएं कैसे। तो डॉक्टर राजा जे चेलैया ने बोला बस इतनी सी बात है, अरे इतनी सी बात में तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, तो तुम ले आओ ना सर्विस टैक्स। तुम आने वाला 94 का बजट है, उस 94 के बजट में अनाउंस कर दो कि मैं सर्विस टैक्स लेके आ रहा हूं। तो सरदार साहब ने बोला भाई साहब इतना इजी नहीं है, ये पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी। एक बात मेरे को बताना, जितने बच्चे भी इस टाइम मेरे सामने बैठे हैं, हेलो भाई साहब, ओए ओए इधर, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारे बैठने पर टैक्स है, तुम क्या बोलोगे, पागल है क्या, खड़ा होके पढ़ूंगा। अच्छा अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारे खड़े होने पर भी टैक्स है, तुम क्या बोलोगे, पगला तो नहीं किया, मतलब क्या हमें ऐसे करके पढ़ूंगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आप रिएक्ट कैसा करेंगे बहुत बड़ा मैटर है। तो मैंने कहा पब्लिक कैसा रिएक्ट करेगी ना वो बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर राजा जे चेलैया ने बोला टेंशन मत लो, ये इंडिया है और इंडिया को डिवाइड करना सबसे आसान है। इस पे एक रूल हमेशा से फॉलो होता आया है जो आज भी फॉलो होता है, वो होता है डिवाइड एंड रूल। इनको डिवाइड करो और इन पर रूल करो, इनको फर्क नहीं पड़ता एक पैसे का भी। तो डॉक्टर साहब सरदार साहब ने बोला भाई फिर कैसे करें। तो उसने कहा आप ऐसे करो, अगर आपको सर्विस टैक्स लेकर आना है तो आप ना सारी सर्विस पर सर्विस टैक्स मत लाओ, आप ऐसा करो 3 से 4 सर्विस पर सर्विस टैक्स ले आओ और उन सर्विस पर लेकर आओ जो अमीरों के पास है। अब अमीरों के पास है तो उन अमीरों पर लगा दोगे तो गरीब शांत रहेंगे, और देश में तो ज्यादा गरीब ही है, तो गरीब रहेंगे शांत, गरीब बोलेंगे नहीं, तो बोलेंगे नहीं तो पब्लिक अगेंस्ट में होगी नहीं, सर्विस टैक्स भी आ जाएगा, मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी जी। सरदार साहब ने कहा बात तो सही है। सरदार साहब ने फाइनली क्या किया, 94 के बजट में बोला जी हम इस बजट में कुछ सर्विसेज पर टैक्स लगाना चाह रहे हैं, जो आज तक सर्विस देने पर टैक्स नहीं था, हम सर्विसेज पर टैक्स लगा रहे हैं। और जैसे ही बोला सर्विसेज पे लगा रहे हैं तो भाई साहब शेयर मार्केट क्रैश कर गई। आप अगर 94 की शेयर मार्केट चेक करोगे, जिस दिन बजट आया चेक करना, पूरी मार्केट क्रैश हो गई। बट जैसे उन्होंने बोला हम सारी सर्विस पर नहीं लगा रहे, सब लोग चिंता मत करें, हम सिर्फ अमीरों की सर्विस पर सर्विस टैक्स लगा रहे हैं और सिर्फ 3 सर्विस पर सर्विस टैक्स लगा रहे हैं और किसी सर्विस पर नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने बोला सबसे पहली सर्विस जो होगी दैट इज टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस, फिर सेकंड सर्विस जो होगी दैट इज इंश्योरेंस की सर्विस, दैट इज फैक्ट्री का इंश्योरेंस, दैट इज जनरल इंश्योरेंस, और तीसरी सर्विस जो होगी वो हमारी होगी स्टॉक ब्रोकर की सर्विस, दैट इज शेयर मार्केट की सर्विस। अब एक बात सोच के बताना, 1994 के जमाने में, सोच के बोला 1994 के जमाने में, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं फोन किन लोगों के पास होता था, बताओ जी 1994 के जमाने में, बताओ। 94 के जमाने में सर फोन होता ही नहीं था लोगों के पास, अपने पेरेंट्स से पूछना 94 में फोन होता ही नहीं था भाई, लोगों के घरों में लैंडलाइन नहीं होता था, लोग दूसरों के घरों में कॉल करने जाते थे। मेरे को अभी तक याद है मेरी मम्मी मेरे हाथ से लेटर लिखवाती थी अपने मेरे मामा जी को भेजने के लिए। सर पहले चिट्ठियां चलती थी, वो तुमने गाना सुना है ना, जा कबूतर जा, वो कहते हैं कबूतर जा 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 कबूतर जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दे आ आ आ, कबूतर जा 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 कबूतर जा। तो पहले वो कबूतर तो नहीं चलते थे बट पहले डाक चलते थे, वो लेटर बॉक्स चलते थे, वो एक्चुअल में रियलिटी है। और तुमने मूवीज के अंदर देखा होगा पहले चिट्ठियां लिखते थे, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। तो मतलब पहले ये एक्चुअल में होता था। और आपने कभी मूवीज में देखा होगा जब लोग चिट्ठी पढ़ते थे, चिट्ठी के अंदर से फोटो दिखती थी, फोटो दिखती थी तो फोटो में वो आंसू बह रहे होते थे, इधर से अपने आंसू बह रहे होते थे। मम्मी लिखती थी मामा को, मामा मैं राखी पे नहीं आ पाऊंगी, मामा मैं आना तो चाहती हूँ, मामा हम बचपन में कितने अच्छे से खेला करते थे, हैं याद है तुम्हें, मैं तुम्हें कई बार गुस्सा हुआ करती थी हैं और तुम भी गुस्सा हुआ करते थे, बट हम लड़ाई करते थे, बट आपस में तो हमारा प्यार था। मैं राखी पे आना चाहती हूँ बट मेरे घर की जरूरी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो ऐसे ऐसे कहा, उसके अंदर से मामा रो रहा होता था, उधर से वो लिख रही होती थी, उधर से वो रो रही होते थे। तो एक्चुअल में इस तरह का माहौल पहले था। मैंने मम्मी मेरे से चिट्ठियां लिखवाती थी मेरे मामा को भेजने के लिए। ठीक है जी। तो कहना क्या चाह रहा हूं, इस तरह से पहले होता था। तो फोन तो उस टाइम लोगों के पास था नहीं जी। अब जब फोन लोगों के पास नहीं था तो अब सिंपल सी बात है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पे सर्विस टैक्स लगा दिया। तो अमीरों के पास फोन था, अब गरीबों के पास था नहीं, तो गरीबों ने कहा चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पे लग गया तो लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कौन सा, हमारे घर में कौन सा फोन है, हम तो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस देते नहीं, हमारी सर्विस पे नहीं है जी। फिर दूसरा उन्होंने बोला स्टॉक ब्रोकर की सर्विस। अब शेयर मार्केट में कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे अमीर लोग। जो अमीर लोग होंगे वही तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट में नॉर्मली वही पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जो इन्वेस्ट करके हम भूल सकते हैं। भाई अब शेयर मार्केट में ऐसा तो है नहीं कोई पैसा भी इन्वेस्ट कर लो, भाई सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो उस टाइम पर 1994 में शेयर मार्केट में वही लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे जो बहुत अमीर होते थे, हम जैसे लोग बच जाते थे जी। फिर तीसरी सर्विस आई जनरल इंश्योरेंस की सर्विस, मतलब फैक्ट्री का इंश्योरेंस। अब फैक्ट्री किनके पास होंगे, अमीरों के पास। गरीबों के पास फैक्ट्री का मतलब ही नहीं है। हम तो करवाते हैं लाइफ इंश्योरेंस, हम करवाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस तो हम करवाते ही नहीं है। तो फिर गरीबों ने बोला भाई चलो सिंपल सी बात है हमारा, अब जैसे मान लो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कौन कौन से लोग फंस गए, जैसे मान लो तेजस सर। अब तेजस सर का क्या है कि जैसे मान लो 1980s या 1980 के राउंड फोन आया, तो तेजस सर के पास उससे पहले ही फोन आ गया था। एक्चुअल में क्या गया, इन्होंने पैसा मार के मुंह पे घेरा यूएसए के। तेजस सर ने कह रहे यूएसए से फोन लेके आया इधर, तो पहला फोन तेजस सर के पास आया। फिर सबसे पहली इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में की गई शेयर मार्केट में वो तेजस सर ने की। फिर अगर जनरल इंश्योरेंस, उनके पास बहुत सारी फैक्ट्रियां थी, तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस भी तेजस सर ने कराया। तो मैं उनकी एक्चुअल में अमीरों की बात मैं कर रहा हूं, उनकी बात। तो अब तेजस सर मेरे पास दौड़े दौड़े आए। तो तेजस सर जैसे मेरे पास दौड़े दौड़े आए तो तेजस सर ने बोला गाबा सर हमारी सर्विस पे ना सर्विस टैक्स लग गया है, चलो टेलीकम्युनिकेशन की सर्विस पे लगा दिया और स्टॉक ब्रोकर की सर्विस पे लगा दिया, जनरल इंश्योरेंस की सर्विस पे लगा दिया, चलो 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 गवर्नमेंट के पास चलते हैं, ये सर्विस टैक्स हटवाते हैं। अब मेरी सर्विस में तो था नहीं, मैं ठहरा गरीब। अब मैं ठहरा गरीब तो मैंने बोल देते, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा भाई, मेरी सर्विस में तो है ही नहीं, तुम जाओ। तेरे सर ने बोला सर आग लगी है तो घर तुम्हारा भी जलेगा, कभी ना कभी तुम्हारी सर्विस पर जाएगा। मैं कहा आ ही नहीं सकता। अब उधर डॉक्टर राजा जे चेलैया बोल रहे थे ये है इंडिया, ये है देखो इंडिया, तुम्हें इंडिया देखना था ना, इंडिया ये है। तेजस के ऊपर सर्विस टैक्स लगा, विवेक कह रहा है ऐसे की तैसे लगने दो, और तेजस ने एक लाइन बोली थी कि आग लगी है तो घर तुम्हारा भी जलेगा ही जलेगा, और वही बात हुई। अगले बजट में 3 सर्विस, 6 सर्विस, 6 सर्विस से 15 सर्विस, 15 सर्विस से 30 सर्विस, 30 सर्विस से 50 सर्विस। और आपको जान के हैरानी होगी 30 जून 2012 तक 120 सर्विस इंडिया में टैक्सेबल हो चुकी थी। और फिर 1 जुलाई 2012 को ऐसा लो इंडिया के इतिहास के अंदर बना जब गवर्नमेंट ने कहा सारी सर्विस टैक्सेबल है, सर्विस टैक्स में सिर्फ 16 सर्विस छोड़कर। 16 सर्विस को बाहर निकाला, 16 सर्विस की नेगेटिव लिस्ट दी और सारी की सारी सर्विस सर्विस टैक्स के दायरे में आ गई। अब मैं तेजस सर के पास गया, मैंने तेजस सर को बोला, मैं कहा तेजस सर मेरी सर्विस पर भी सर्विस टैक्स लग गया, प्लीज मुझे बचा लो, आप चलो गवर्नमेंट के पास चलते हैं, सर्विस टैक्स हटवाते। तेजस सर ने मेरी मारी लात, बता लो, क्यों बता लो नहीं, जब तेरे पास आया था कि सर्विस टैक्स हटवा ले, उस टाइम सिर्फ 3 सर्विस थी, तब तो तूने मेरे को ऐ कर दिया था, अब मैं भी नहीं जाऊंगा। दैट इज इंडिया, ये इंडिया है, इसको कहते हैं इंडिया, डिवाइड एंड रूल। लोगों को डिवाइड करो और रूल करो, और फाइनली वो बात सच्ची हुई, और यहीं से जन्म हुआ जीएसटी का। जब इतनी सारी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगा तो गवर्नमेंट के दिमाग में क्लैरिटी आ गई कि भाई हमें कुछ ऐसा टैक्स लेकर आना है जो गुड्स और सर्विस पर कंबाइन हो जाए, जो गुड्स और सर्विस पर कंबाइन हो, जहां पर सर्विसेज पर ज्यादा टैक्स एप्लीकेबल हो। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इंसर्ट किया जीएसटी को, तो आज जो तुम जीएसटी पढ़ रहे हो इसका नाम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जरूर है, ये लगता गुड्स पर भी है बट मेजरली यहाँ पे सर्विसेज टैक्सेबल होती हैं। और गवर्नमेंट को अगर एक महीने का 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जीएसटी से आ रहा है उसमें 70% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो सर्विसेज का है। सर आज हर इंसान सर्विस से घिरा हुआ है, आप चेक करो तुम सर्विस के बिना नहीं रह सकते। ये जो तुम सामने बैठ के क्लास देख रहे हो ये भी तो सर्विस ही है, ये भी तो सर्विस ही है। आज तुम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कोई भी डाउनलोड करते हो, कोई बुक्स डाउनलोड करते हो, कोई डेटा डाउनलोड करते हो, वो सर्विस ही तो है। तुम्हारे फोन में जितनी भी सारी की सारी ऑनलाइन ऐप हैं, जोमेटो, स्विगी, फूड पांडा, बुक माई शो, booking.com, goibbo, मतलब ओला कैब हो गया, उबर कैब हो गया, ये सारी के सारी सब क्या है, तुम सारी सर्विस तो ले रहे हो। तो सर आज एक इंसान सर्विस सेक्टर से घिर चुका है, मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 1994 में 1994 में पैदा हुआ बच्चा, एक नया नवजात शिशु 94 में जिसका नाम था सर्विस टैक्स, उसने 2017 में अपना रूप बदला जिसका नाम हो गया जीएसटी। आज 2024 है, अगर मैं टोटल काउंटिंग करता हूं तो आए सिर्फ 30 साल हुए हैं और 30 साल का एक नौजवान लड़का आज राक्षस बन चुका है। इसने एक्साइज ड्यूटी को मात दे दी। एक्साइज ड्यूटी 1944 में आई थी इंडिया में, आज अप्रोक्सीमेट उसको आए 80 साल हो चुके हैं, वो बुजुर्ग हो चुकी है। ये नौजवान लड़के ने सारे टैक्सेस को पीछे छोड़ दिया और सबसे आगे निकल गया आज सर्विस टैक्स। अब उम्र कितनी है, 30 साल की तो उम्र है सर, 30 साल की तो उम्र है, जवानी तो बिल्कुल जवानी तो छलक रही है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, पूरा नौजवान इंसान है। और नौजवान इंसान ने भाई साहब एक एक महीने में 2-2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिया, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जीएसटी की कहानी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले सर्विस टैक्स आया, सर्विस टैक्स में गवर्नमेंट को मजे आए और जब गवर्नमेंट को लगा भाई साहब ये तो जबरदस्त है, और फिर फाइनली गवर्नमेंट ने राक्षस का रूप धारण किया और एक नाम दिया जीएसटी का, जिसमें नो डाउट गुड्स भी टैक्सेबल है बट मेजरली जो है यहाँ पे सर्विसेज टैक्सेबल है। एक बच्चा कहता गाबे सारी बातें सही है तेरी, सब कुछ समझ में आ गया बट मेन बात तो तूने बताई नहीं, सर्विस टैक्स आया कैसे, पावर कहां से मिली, कौन लाया, आया तो ना, तो कौन लाया सर्विस टैक्स को। तो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। जब इंडिया के संविधान में 3 लिस्ट बनी, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में कौन बैठी है, पार्लियामेंट, लिस्ट 2 में कौन बैठी है, स्टेट, लिस्ट 3 में बैठी है दोनों, और जहां दोनों वहां प्रिवेल करेगी पार्लियामेंट। तो डॉक्टर BR अंबेडकर को पता था कि आने वाले टाइम में कुछ लॉज ऐसे होंगे जो मैं लिखना भूल जाऊंगा, मेरे को भी याद नहीं है, बट फ्यूचर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो मैं भूल जाऊंगा, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि फ्यूचर में दिक्कत ना आए। तो उन्होंने क्या किया, लिस्ट 1 में एक एंट्री क्रिएट की, उस एंट्री में लिखा कि अगर कोई मैटर किसी भी लिस्ट में कवर नहीं है, मैं लिखना भूल गया हूं, उस मैटर पे लॉ बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की होगी और एंट्री नंबर 97 से लॉ बनेंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो आज जितने भी बचे कुछ लॉ बनते हैं सब बनाने वाली पार्लियामेंट है, एंट्री नंबर है 97, सारे के सारे बचे कुछ लॉ लिस्ट 1 की एंट्री नंबर 97 से बनते हैं और बनाने वाली जो है वो पार्लियामेंट है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, पक्का पक्का, चलो। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, अब मैंने बोला लिस्ट 1 में बनाने वाली पार्लियामेंट है, लिस्ट 2 में बनाने वाली स्टेट है, सारे बच्चे मेरे को आंसर देना। लिस्ट 1 में बनाने वाली पार्लियामेंट है, तो आप मेरे को बताओगे इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, सारे बच्चे बताना चाहिए, जल्दी बताओ इनकम टैक्स बनाने वाली कौन है, सॉरी इनकम टैक्स सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का है, सेंट्रल लेवल का। अब अगर अभी मैं बता रहा हूं एंट्री का मतलब क्या होता है, सेंट्रल लेवल का है, तो बनाने वाली कौन है, सेंट्रल लेवल के लोग बनाने वाली कौन होते हैं, पार्लियामेंट। अगर बनाने वाले तो कौन सी लिस्ट में आता होगा, लिस्ट नंबर 1, तो ये बात तो कन्फर्म है कि इनकम टैक्स लिस्ट नंबर 1 में आता है। ऐसे कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी सेंट्रल लेवल की है, बनाने वाली पार्लियामेंट है, लिस्ट 1 में आती है। ऐसे ही जनरल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल लेवल की है, बनाने वाली पार्लियामेंट है, लिस्ट 1 में आती है। बट मुद्दा है ये सब लिस्ट वन में आते हैं, तो ऐसे करते करते लिस्ट वन में टोटल कितने मैटर हैं आप मेरे को बता सकते हो? लिस्ट वन में जैसे इनकम टैक्स भी है, कस्टम भी है, एक्साइज भी है, तो ऐसे करते करते इनकम टैक्स में टोटल कितने मैटर हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, लिस्ट वन में टोटल मिला के 97 मैटर हैं। टोटल मिला के 97 मैटर हैं, 1 2 3 4 5 और ऐसे करते 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 यहाँ पे 97 मैटर हैं। तो टोटल मिला के 97 मैटर हैं। अब अगर 97 मैटर हैं तो इनकम टैक्स किस मैटर नंबर के आगे लिखा हुआ है, मतलब किस एंट्री नंबर? एक बच्चे ने कहा था एंट्री नंबर क्या होता है? एंट्री नंबर मतलब होता है सीक्वेंस नंबर। एंट्री नंबर मतलब किस सीक्वेंस के आगे इनकम टैक्स लिखा हुआ है? तो बता दूं एंट्री नंबर 82 जो है वो इनकम टैक्स की है, एंट्री नंबर 83 जो है वो कस्टम की है, एंट्री नंबर 84 जो है वो एक्साइज की है और एंट्री नंबर 97 जो है वो सर्विस टैक्स की है। बस ये बात ध्यान दो। तो ये हमारी सारी की सारी एंट्री। सर इतना इंपॉर्टेंट को कैसे भूल गए टैक्स? भाई इतना इंपॉर्टेंट अब है ना 91 में यार, पहले इंपॉर्टेंट नहीं था, उस टाइम सर्विस होती नहीं थी। कैसी बात कर रहे हो नालायक? बात करो 1950 की, ये तो 1994 में जाके इंपॉर्टेंट हुआ ना, और वो तुम्हें अब और इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैंने क्या बोला? दिव्या शक्ति किसके पास है? अगर पहले से पता होता इतना खतरनाक कोविड आने वाला है तो वैक्सीन पहले से बना के नहीं रख लेते। हेलो ओ भिंडी, ओए ओए भिंडी, अगर पहले से पता होता कि कोविड इतना खतरनाक आएगा तो वैक्सीन पहले से तैयार नहीं कर लेते, पहले से वैक्सीन लगवा देते। वैक्सीन लगवाते, काम खत्म, कोविड आता ही नहीं। पता ही नहीं तो था। अब तुमको इतना इंपॉर्टेंट, भाई कोविड से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? कोविड से खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? जब वो नहीं मुझे पता कि 4 साल पहले होने, 4 साल के बाद होने क्या वाला है, तो भाई साहब ये तो कैसे ही पता होगा 40 साल के बाद सर्विस टैक्स भी आएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है जी। ठीक है नहीं? तो सिंपल सी बात ये समझो, एंट्री नंबर 82 इनकम टैक्स की, एंट्री नंबर 83 कस्टम की, एंट्री नंबर 84 एक्साइज की और एंट्री नंबर एक बनाई गई 97। 97 इज द रेजिड्यूरी एंट्री। मैं दोबारा बोलूंगा, 97 इज द रेजिड्यूरी एंट्री। जितने भी तुम्हारे बचे कुचे लो है ना, सब के सब 97 से बनते हैं। बस ये बात ध्यान दो। मतलब जो भी तुम्हारे बचे कुचे लो हैं, जो किसी भी एंट्री में स्पेसिफिक तरीके से कवर नहीं है, उन सब पे लो बनाने वाली जो होती है वो पार्लियामेंट होती है। लिस्ट नंबर 1 एक एंट्री नंबर है 97, वहीं से सारे बचे कुचे लो बनते हैं। सर्विस टैक्स का जन्म भी 97 से हुआ। बस ये बात ध्यान दो। तो सर्विस टैक्स के कोई अपने माँ बाप नहीं है, अनाथ बच्चा, अनाथ। जब ये पैदा हुआ था तो इसके माँ बाप इसको छोड़ के चले गए थे। इसके माँ बाप का नाम था फाइनेंस एक्ट 1994। ये दूसरों के घर में पड़ा हुआ, मतलब इनको संभाला एक्साइज डिपार्टमेंट वालों ने। फिर धीरे धीरे बड़ा होता गया और इसके आज भी कोई माँ बाप नहीं थे। अब तो ये खत्म ही हो चुका है, इसकी हत्या हो चुकी है। अब इसके माँ बाप जो हैं वो जीएसटी में समा चुके हैं। तो मतलब सर्विस टैक्स ने सारी जिंदगी अकेले निकाली है। तभी उसको इस बात का गुस्सा था कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और इस चक्कर में उसने इतने करोड़ का रिवेन्यू गवर्नमेंट को दिया गुस्से में आकर। बस ये पर ध्यान दो ना, 98 नहीं हो सकती भाई। जो भी लोग बनेंगे वो 97 से बनेंगे, इसके ऊपर की एंट्री नहीं हो सकती। अरे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया सर्विस टैक्स की कहानी? पक्का पक्का लोग कर सकता हूं? सर फाइनेंस एक्ट हर, हाँ बिल्कुल, फाइनेंस एक्ट हर साल में आता है। ठीक है चलो, अब मेरा अगला क्वेश्चन। अब ये तो समझ में आ गया भाई सर्विस टैक्स बनाने वाली पार्लियामेंट है, एंट्री नंबर 97 से आया, लिस्ट नंबर 1 से आया, 1994 को आया, ये सारी बातें हमने समझ ली। अब क्वेश्चन है जीएसटी कौन लाया फिर भाई? अब सर्विस टैक्स के बाद क्या आया? जीएसटी। तो अगला क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जीएसटी कौन लेकर आया, जीएसटी को बनाने वाला कौन है? अब बताओ जी, जीएसटी को बनाने वाला कौन है जी? सारे बच्चे बताओ, जीएसटी को बनाने वाला कौन है? बताओ, बोलो मेरे बच्चों, बोलो। जीएसटी को बनाने वाला कौन है? जल्दी बोलो, जीएसटी को बनाने वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यही अदा तो एक सितम है, सुनो तुम्हें मेरी कसम है, कह दो कि तुम हो नालायक, नहीं तो हो तुम महा नालायक, तुम तो हो नालायक, तुम तो हो महा नालायक। ओहो हो हो ओहो हो। सुनो ध्यान से नालायकों, ऑलमोस्ट सारे बच्चों का गलत आंसर है, सारे ही बच्चों का गलत आंसर है। सब ने बोला सर बनाने वाली पार्लियामेंट है, ठीक है 15 अगस्त को क्लास होगी, बता देंगे 15 अगस्त को, अभी तो 10 अगस्त है मेरे भाई, ठीक है ना। झंडा तूने फहराना है फहरा लियो भाई मेरे, रख लेंगे देख लेंगे 15 तारीख को तेरी क्लास होगी नहीं होगी, अभी तू काहे को टेंशन ले रहा है। सुनो ध्यान से, अब जीएसटी को सबने बोला पार्लियामेंट है, कोई जीएसटी काउंसिल बोल रहा है, कोई फाइनेंस कमीशन बोल रहा है, कोई एंट्री नंबर 97 बोल रहा है, कोई अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा है, कोई कैरी मिनाटी बोल रहा है, बहुत बढ़िया, कोई वड़ा पाव गर्ल बोल रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं भाई साहब, अगर तुम जैसे लोग सीए करने लग गए तो फिर तो हो गया काम, फिर तो भाई साहब काम हो ही गया। सुनो ध्यान से नालायकों, तुमने कहा जीएसटी को बनाने वाली पार्लियामेंट है, ये क्यों कहा इसका लॉजिक भी सुन लो जी। ये क्यों कहा, नहीं संडे क्लास नहीं होगी, कल तुम्हारी सीए वाली क्लास नहीं है। ये क्यों कहा इसका लॉजिक भी सुन लो, तुमने क्यों कहा। सर हमने इसलिए कहा क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा। मैंने कहा क्या कहा, सर आपने ही कहा। मैं कहा क्या कहा, अरे गाबा साहब आपने ही तो कहा कि जो मैटर कहीं पर भी कवर नहीं है उसको बनाने वाली पार्लियामेंट होगी, लिस्ट नंबर 1 से होगी, एंट्री नंबर 97 से होगी, तो आपने ही तो बताया अभी। तो हमने तो वही चीज अप्लाई कर दी जीएसटी पर, क्योंकि जीएसटी भी कहीं पर भी कवर नहीं होगा, तो लिस्ट नंबर 1 में बनाने वाली पार्लियामेंट होगी, तो एंट्री नंबर 97 से बनेगा। बोलो क्या हमने सही बोला नहीं बोला। अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 मेरे बच्चों, ये बताओ इंडिया में जो जीएसटी आया, जीएसटी आने से पहले इंडिया में कितने टैक्सेस थे, बताओ बताओ। जीएसटी आने से पहले इंडिया में कितने टैक्सेस थे, 17। ठीक है जी, 17 टैक्सेस में 9 टैक्सेस थे सेंट्रल के, 8 थे स्टेट के, ठीक है। इन टैक्सेस की हत्या की गई, इसकी आत्मा 17 टैक्सेस मिलाकर जीएसटी में आ गई थी, ठीक है। अब जब ये 9 टैक्सेस सेंट्रल के, 8 स्टेट के, तो मतलब जब ये 9 टैक्सेस होंगे तो ये होंगे लिस्ट 1 में, ये 8 सॉरी ये 8 टैक्सेस जो होंगे ये होंगे लिस्ट नंबर 2 में, तो ये होंगे लिस्ट नंबर 1 में, ये होंगे लिस्ट नंबर 2 में। अब जब ये लिस्ट नंबर 1 में होंगे, इनको बनाने वाली कौन होगी, पार्लियामेंट, इनको बनाने वाली होगी स्टेट असेंबली। अब गवर्नमेंट ने कहा हम ये भी खत्म कर रहे हैं, ये भी खत्म कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लग रहा 8 टैक्सेस स्टेट के भी खत्म हो रहे हैं, हाँ या ना बोलो बस। क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि 8 टैक्सेस स्टेट के भी खत्म हो रहे हैं, जल्दी बताओ यार फटाफट से, मेरे को फटाफट से बता दो, क्या आपको नहीं लग रहा क्या 8 टैक्सेस स्टेट के भी खत्म हो रहे हैं, लग रहा है आपको। क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि 9 टैक्सेस जो हैं वो सेंट्रल खत्म हो रहे हैं, यस हो रहे हैं। जब दोनों के टैक्सेस खत्म हो रहे हैं तो बनाने वाली पार्लियामेंट कैसे हो सकती है, क्योंकि अगर बनाने वाली पार्लियामेंट है एग्जीक्यूट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट कैसे मान लेगी कि भाई साहब तुम सारा कुछ कर दो, उसके टैक्सेस नहीं खत्म हो रहे भाई, 8 तो उसके भी हैं, उसके भी तो टैक्स खत्म हो रहे हैं। तो बच्चा कह रहा है सर फिर स्टेट ने बनाया होगा, अरे मेरे बच्चे अगर स्टेट ने बनाया होगा तो पार्लियामेंट के जो 9 टैक्स खत्म हो रहे हैं उन 9 का क्या होगा, वो भी तो सेंटर उनका क्या होगा, क्योंकि 9 तो बनाने वाली पार्लियामेंट है, कंट्रोल सेंट्रल के हाथ में, वो क्या करेगी। तो बच्चा कह रहा है सर फिर दोनों ने बनाया होगा, फिर दोनों ने मिलकर बनाया होगा, तो दोनों ने मिलकर बनाया होगा तो लिस्ट नंबर 3 से बना होगा, फिर जीएसटी ना लिस्ट 1 में ना जीएसटी लिस्ट 2 में, फिर जीएसटी ओके कॉन्करेंट लिस्ट में आया होगा, है ना? गाबा सर झूठ नहीं बोलना, सच्ची सच्ची बोलना, जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट में आया होगा। यही कुछ लोग यूट्यूब पे बोलते हैं, बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट से आया है। तो आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, जीएसटी कॉन्करेंट लिस्ट से नहीं आया, और इवन कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स है ही नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में कोई भी टैक्स नहीं है भाई मेरे, कोई भी टैक्स कॉन्करेंट लिस्ट में है ही नहीं है। तो बच्चा कह रहे सर अगर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है तो फिर, और सर कॉन्करेंट लिस्ट क्यों नहीं आया? आपने कहा था पावर दोनों को है। अरे मेरे नालायक बच्चे, पावर दोनों को है, बट अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो प्रिवेल कौन करेगी? पार्लियामेंट प्रिवेल नहीं करेगी, फिर मैटर क्या रह गया? स्टेट का। फिर स्टेट की बात ही कहां से आ गई? अगर प्रिवेल करेगी पार्लियामेंट तो फिर स्टेट कहां गई? बात तो ये भी सही है। तो सर फिर तो ना लिस्ट 1 में आ रहा है, ना लिस्ट 2 में आ रहा है, ना लिस्ट 3 में आ रहा है। तो आपने कहा था तीनों लिस्ट में ना हो तो बनाने वाली पार्लियामेंट होती है। तो एंट्री नंबर 97 से आया होगा, लिस्ट नंबर 1 से नहीं। एंट्री नंबर 97 में जो भी लो होता है उसको बनाने वाली भी कौन होती है? पार्लियामेंट होती है। तो यहाँ पार्लियामेंट तो लो बना ही नहीं सकती, क्योंकि यहां पर तो स्टेट के टैक्सेस भी खत्म हुए हैं, तो दोनों को लो बनाना चाहिए। तो यह ध्यान रखना, इसीलिए जीएसटी को लेकर आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, और इसीलिए फाइनली गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिया का संविधान चेंज करने की बात बोली कि भाई साहब पार्लियामेंट ने बोला खाली स्टेट लो नहीं बनाएगी, स्टेट ने बोला खाली पार्लियामेंट लो नहीं बनाएंगी, लो बनेगा तो दोनों को मिलकर लो बनाएंगे, दोनों एक साथ लो बनाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी? जीएसटी में ऐसा कोई आर्टिकल था ही नहीं जो दोनों को इक्वल पावर देता हो। जीएसटी में ऐसी कोई एंट्री थी नहीं जो दोनों को इक्वल पावर देती हो कि दोनों मिलकर लो बना दें। लिस्ट 3 में थी, बट वहां भी पार्लियामेंट प्रिवेल करती है, तो लिस्ट 3 भी किसी काम की है नहीं। इसीलिए क्या हुआ? फाइनली संविधान चेंज करने की बात हुई जी। अब जब फाइनली संविधान चेंज करने की बात हुई तो सारे बच्चे आंसर देना, जब संविधान चेंज होता है तो सबसे पहले क्या होता है? एक्ट बनता है या बिल आता है? बताओ। अगर मान लो संविधान चेंज करना है तो सबसे पहले एक्ट बनेगा बिल आएगा? बताओ जी, सारे बच्चे बोल दो फटाफट से। सबसे पहले एक्ट बनेगा या बिल आएगा? बोल दो मेरे बच्चों, एक्ट या बिल? एक्ट या बिल? बिल आएगा। तो फिर क्या किया गया? एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेकर आए, उसका नंबर था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 जी। मतलब एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए, एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए, उसका नाम पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122। तो पार्लियामेंट के आगे रखा गया, सारी स्टेट के पास गया, और फाइनली वो एक्ट बना, और एक्ट बना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। अब एक बच्चा कहता है, बच्चे का नाम क्या है? रानी। रानी 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 ओ रानी सुन, रानी कह रही है बिल नंबर 122 एक्ट नंबर 101 कैसे? तुझे जीएसटी पढ़ाना आता भी या नहीं आता? मुझे डाउट हो रहा है गाबे, मुझे डाउट हो रहा है। अगर बिल नंबर 122 है तो एक्ट नंबर 101 कैसे? उसका रीजन है क्योंकि 21 बिल आज भी पेंडिंग पड़े हैं पार्लियामेंट के पास, इसका एक्ट बनाना जरूरी था, अर्जेंट था, इसलिए पहले एक्ट बना, इसलिए इसका नंबर चेंज हो गया और नाम पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 101। और मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम्हारे स्क्रीन पर तुम्हारे सामने ये रहा, देखो अगर आप यहां पे चेक करोगे, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016। ये एक्ट पास हुआ जी, ठीक है नी? ये एक्ट पास हुआ, और जब ये एक्ट पास हुआ तो इसमें सबसे पहले क्या किया गया? एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, एक नया आर्टिकल बनाया गया जहां से जीएसटी को जन्म दिया गया जी, जहां से जीएसटी को जन्म दिया गया। मैं दोबारा बोलूंगा, जहां से जीएसटी को जन्म दिया गया। तो जीएसटी को जन्म देने वाला जो है ना, वो लिस्ट नंबर 1 नहीं है, लिस्ट नंबर 2 नहीं है, लिस्ट नंबर 3 नहीं है, जीएसटी को जन्म देने वाला जो है वो आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए है। हाँ, जीएसटी का माँ माई बाप, बिल्कुल सही बात है। जीएसटी का माई बाप, ताऊ, चाचा, ताई, मामे, फूफे, सब के सब आर्टिकल 246 कैपिटल ए है। जीएसटी को जन्म देने वाला जो है दैट इज आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए है। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि मेरे भाई बता जीएसटी कहां से आया, तो गलती से लिस्ट 1 मत कह देना, गलती से लिस्ट 2 मत कह देना, गलती से लिस्ट 3 मत कह देना। जीएसटी की कहानी जो लिखी गई है वो आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए से लिखी गई है, बस ये बात ध्यान दो। मैंने कब कहा था कोई अमेंडमेंट नहीं हुई? अरे वो सर्विस एक तो ना देखो सोना नहीं है, देखो लाइव क्लास में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक तो खाने के बाद का टाइम होता है और कई लोग क्या होता है जब मैं बोल रहा होता हूँ सर्विस टैक्स चल रहा था तो कई बच्चे सर्विस टैक्स में सो गए थे और उनकी नींद खुली जीएसटी में। मैंने कहा अमेंडमेंट हुई, उन्होंने लास्ट वर्ड सुना था अमेंडमेंट नहीं हुई। मेरे बच्चे उस टाइम सर्विस टैक्स चल रहा था, अब जीएसटी चल रहा है। वो बातें थी सर्विस टैक्स की, अब बातें हैं जीएसटी की। बात मेरी समझ में आ रही है? तो हाँ वो उठे जीएसटी में। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं अब हमारा जीएसटी स्टार्ट हो चुका है, अब हम जीएसटी की बातें कर रहे हैं। पिछले 15 मिनट से हम सारी बातें जीएसटी की ही कर रहे थे, ठीक है। तो अमेंडमेंट जो नहीं हुई वो लाइन मैंने बोली थी सर्विस टैक्स में, अमेंडमेंट हुई ये बात मैंने बोली जीएसटी में, ठीक है जी। अब जब ये अमेंडमेंट हुई तो एक आर्टिकल लेकर आए 246 कैपिटल ए, जहां से जीएसटी की कहानी लिखी गई। अब अगर कोई तुमसे पूछे, सोच के बोलो, हेलो भाई साहब, ओए भिंडी, अगर कोई तुमसे पूछ ले जीएसटी आया कहां से, बताओ क्या बोलोगे? जीएसटी आया कहां से? तो आया आर्टिकल 246 कैपिटल ए से। दोबारा बोलो, जीएसटी आया कहां से? आर्टिकल 246 कैपिटल ए से। और आर्टिकल 246 कैपिटल ए एक्सक्लूसिवली जीएसटी के लिए ही लेकर आए कि जीएसटी को बनाने वाला कौन है, ठीक है ना। तो जीएसटी को बनाने वाला कौन है वो सारी की सारी बातें 246 कैपिटल ए में लिखी हुई हैं। तो ये आर्टिकल एक एक्सक्लूसिव आर्टिकल है जहां से जीएसटी का जन्म हुआ, बस ये बात ध्यान दो। और एक नया आर्टिकल और लेकर आए, दैट इज आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए, वो है आईजीएसटी की अपोर्शनमेंट का, आगे रख के डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल है 279 कैपिटल ए, वो जीएसटी काउंसिल का है। एक हमारी जीएसटी काउंसिल होती है जो अमेंडमेंट्स लेकर आती है जीएसटी में, तो जीएसटी काउंसिल को बनाने की पावर जो है वो आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए से मिली है। तो मेनली ये 3 आर्टिकल जीएसटी की वजह से नए इंसर्ट हुए हैं, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं, देखो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, देखो यहाँ पर ये आर्टिकल 246 कैपिटल ए जीएसटी वाला, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे चेक करोगे आर्टिकल नंबर 270, सॉरी इसको छोड़ो, 279 कैपिटल ए, यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो 279 कैपिटल ए जीएसटी काउंसिल वाला। और एक आर्टिकल और इंसर्ट हुआ है 269 कैपिटल ए जो आईजीएसटी के अपोर्शनमेंट का, ठीक है। एक आर्टिकल 246 कैपिटल ए है, एक आर्टिकल 269 कैपिटल ए है और एक आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए है। ये 3 आर्टिकल आपके यहाँ पे निकल के आते हैं। बोलो जी, सर इस एक्ट में स्पेस खाली क्यों छोड़ते हैं? कौन से एक्ट में? इसी को तो कहते हैं मार्जिनल नोट। ये मार्जिन है ना, ये मार्जिन है, ये प्योर एक्ट है, ये रियल एक्ट है, ठीक है ना, ये रियल एक्ट है। डन। अब लिखवाऊं इसको, ये छोटी छोटी बातें लिखवा दूं आपको सारी। 269 कैपिटल आया आईजीएसटी की अपोर्शनमेंट, कि आईजीएसटी को पोर्शन कैसे करना है। हाँ वो डेफिनेशन क्या जी, डन। नहीं, आर्टिकल एक्ट के अंदर नहीं होता, आर्टिकल संविधान के अंदर होता है जी, ठीक है जी। चलो लिखो यहाँ पे। अब लिखो जी, आर्टिकल 279 कैपिटल ए बात करता है जीएसटी काउंसिल की जी। तो जो भी आपकी जीएसटी काउंसिल है, जो भी जीएसटी में अमेंडमेंट्स करनी है वो जीएसटी काउंसिल के माध्यम से होती हैं। तो जीएसटी काउंसिल भी एक तरह की बॉडी है, बस ये पर ध्यान दो। लिखो यहां पे हम, लिखो लॉ मेकिंग अथॉरिटी से लिखो जी। सर सब में ए आ रहा है, ये क्या कह रहे हो, सब में ए आ रहा है ये, आर्टिकल के लिए है। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल ए का मतलब होता है ये आर्टिकल नए आए हैं, अमेंडमेंट आई है इनके अंदर। सर जब कॉन्करेंट लिस्ट में भी पार्लियामेंट को पावर है तो वो खुद भी तो बना सकती है जज, खुद नहीं बना सकती ना, क्योंकि टोटल टैक्सेस खत्म करने हैं 17, उसमें सेंट्रल के भी हैं स्टेट के भी हैं, तो पावर दोनों को देनी पड़ेगी जी, इसलिए जी। चलो लिखो अब यहाँ पे, अब लॉ मेकिंग अथॉरिटी अंडर जीएसटी में लिखो। पहले देखो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सेकंड जीएसटी को बनाने वाली क्या सेंट्रल गवर्नमेंट है, क्या स्टेट गवर्नमेंट है, क्या स्टेट असेंबली है, क्या पार्लियामेंट प्लस में स्टेट असेंबली है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस में स्टेट गवर्नमेंट है। तो मैं बात करता हूँ, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। अच्छा पार्लियामेंट तो है, सॉरी, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली इन्होंने मिलकर जीएसटी का लॉ बनाया है, दोनों ने मिलकर। यहाँ पे लिखो पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली ने मिलकर लॉ बनाया और एक आर्टिकल 246 कैपिटल ए को नया इंसर्ट किया गया। डन यहां तक जी। डन 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 डन। लॉक कर दूं, बोल दो ओ मेरे बच्चों, बोल दो। अब यहां पे लिखो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अंडर जीएसटी, कौन कौन से आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमें करने हैं, कौन कौन से आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो हमें करने हैं जी। लिखो जी आर्टिकल नंबर 245, आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246 ए। हाँ ये कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आर्टिकल नंबर 269 ए, आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 279 ए, आर्टिकल नंबर 270, आर्टिकल नंबर 271। आर्टिकल नंबर 366 12A। ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आर्टिकल हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और एक और भी है इसमें, आर्टिकल नंबर 248 आर्टिकल 265 जी। लो जी, ये आर्टिकल है हमारे जी, नहीं 279A है जी। ये खाली 279 नहीं है, 279A है। ठीक है जी, खाली यहाँ पे ध्यान रखना, खाली यहाँ पे 279 है, 279A है जी। डन 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 डन। बोल दो, बोल दो मेरे बच्चों, क्या लोग कर दें जी? क्या हम इसको लोग कर सकते हैं? सर आप सच में बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, मजा आ गया। तो इसका ढिंडोरा कौन पीटेगा ये बताओ। नहीं, इसका मार्केट में ढिंडोरा कौन पीटेगा? तुम मेरे को एक बात बताओ नालायकों, सुनो ध्यान से मेरी बात। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे बोलते रहते हो बहुत अच्छा पढ़ाते हो गाबा सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आप जैसा कोई नहीं पढ़ाता गाबा सर, खून खून में टैक्स मिक्स कर देते हो, आप टैक्स के महाज्ञानी हो गाबा सर, आप टैक्स के ये हो वो। इसका ढिंडोरा कौन पीटेगा मार्केट में? बच्चों को कौन बताएगा इस बारे में? हैं, मेरे सामने ढिंडोरा पीटते रहते हो तो बच्चों के सामने ढिंडोरा पीटो ना, जाके बोलो बच्चों को गाबा सर अच्छा पढ़ाते हैं, गाबा सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, गाबा सर टैक्स में मजा दिला देते हैं, गाबा सर भाई साहब टैक्स के मां ज्ञानी है। पीटा करो ढिंडोरा बच्चों के सामने जाके, हैं? चलो जी वापिस आओ जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब वापिस आओ, वापिस आओ। अब सबसे पहला सुनो जी, यहाँ पे हेडिंग डालो, हेडिंग डालो फटाफट से जी, जल्दी हेडिंग डाल दो जी। लिखो यहाँ पे जी, अब लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 12। हाँ, आर्टिकल 366 12A कर चुके हैं जी। आर्टिकल नंबर 366 12A कर चुके हैं जी। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखो फटाफट से जी, यहाँ लिखो आर्टिकल नंबर 245 प्लस में 246 प्लस में 248 एक प्लस में 254, ये भी आर्टिकल है। ये चारों आर्टिकल हम एक साथ कर रहे हैं जी, ये चारों आर्टिकल हम एक साथ कर रहे हैं जी। ठीक है जी, ये चारों आर्टिकल जो है हम एक साथ ही कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले इन आर्टिकल का मीनिंग लिखो, इन आर्टिकल का मतलब क्या है। आर्टिकल नंबर 245 का मतलब क्या है? 245 है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, दैट इज आर्टिकल नंबर 245। हाँ, इसके नीचे लिखना है जी, इसके नीचे लिखना है आर्टिकल नंबर 246। ये है सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ठीक है ना, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। उसके बाद आर्टिकल नंबर 248 ये हमारा है रेजिडुअरी आर्टिकल। रेजिडुअरी आर्टिकल जी नहीं 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 जी, ऐसा नहीं है कि वर्ड टू वर्ड सेम चाहिए होता है। आर्टिकल नंबर 254, हु विल प्रिवेल इफ कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। हु विल प्रिवेल इफ कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। सर पहले जीएसटी क्यों, पहले इनकम टैक्स क्यों नहीं? सिंपल सा रीजन है, 50 नंबर का है, लेक्चर कम है, तो पहले कम लेक्चर में 50 नंबर पक्के करेंगे ना, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। जीएसटी इनकम टैक्स में इसके अप्रोक्सीमेट डबल लेक्चर है, वहां पर भी 50 नंबर है, दोनों के अंदर 50 नंबर है। इनकम टैक्स थोड़ा सा टेक्निकल है, ये थोड़ा सा ईजी है, तो टेक्निकल चीजें बाद में कराऊंगा, तुम्हें याद रहेंगी। ऐसा ना हो कि पहले तुम्हें इनकम टैक्स करवा दूं फिर जीएसटी कराऊं, तुम कहो इनकम टैक्स याद नहीं आ रहा हमें कुछ भी, ठीक है। तो हर चीज का एक वेल प्लान होता है, ताकि तुम्हारे दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहे कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें देने हैं ना, ऐसा नहीं है कि सुन के बंद कर देना जी, ठीक है जी। हाँ ये कॉन्सेप्ट नंबर 12 है, कॉन्सेप्ट नंबर 12 है जी। चलो अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी। अब सबसे पहला आर्टिकल 245 है। अब देखो आर्टिकल 245 क्या है जी। आर्टिकल 245 है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट को किसी मैटर पे लॉ लगाने की पावर कहां तक है, स्टेट असेंबली को किसी मैटर पे लॉ लगाने की पावर कहां तक है। मतलब अगर मान लो मैंने बोला कि पार्लियामेंट को ना इस मैटर पे लॉ लगाने की पावर है, तो पावर इंडिया में कहां तक है, होल ऑफ इंडिया या पार्ट ऑफ इंडिया। अगर स्टेट असेंबली को लॉ लगाने की पावर है तो फिर पावर कहां तक है, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। तो इट मीन्स अगर कोई मैटर पे पार्लियामेंट को लॉ लगाने की पावर है या स्टेट को लॉ लगाने की पावर है, तो वो पावर कहां तक होगी, ये सारी बातें 245 में है। फिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पर पार्लियामेंट को लॉ लगाने की पावर है, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जहां पर स्टेट असेंबली को लॉ लगाने की पावर है, वो सारी बातें 246 में है। मतलब मैटर कौन कौन से हैं वो सारी बातें 246 में है। फिर 248 है, अगर कोई मैटर तीनों लिस्ट में कहीं पर भी कवर नहीं है तो लॉ को बनाने वाली कौन है। याद है मैंने कहा था पार्लियामेंट है, एंट्री नंबर 97 से लॉ को बनाता है, तो आर्टिकल 248 है। और याद करो मैंने कहा था कॉन्करेंट लिस्ट, अगर दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया तो प्रिवेल कौन करेगी, पार्लियामेंट, दैट इज आर्टिकल 254, ठीक है जी। अब यहां पर लिखो, एक बार यहां पर लिखो जी, पहले लिखो बेसिक पॉइंट। यहां लिखो जी स्ट्रक्चर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पहला जो है लेजिस्लेटिव पार्ट, अगला है एग्जीक्यूटिव पार्ट और तीसरा है जुडिशरी पार्ट। ये 3 पार्ट हैं जी। नहीं ये कॉन्सेप्ट सेम ही है। अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 12 ही है जी, ये कॉन्सेप्ट नंबर 12 ही है। लेजिस्लेटिव पार्ट में 2 लोग होते हैं, सेंट्रल लेवल लॉज पार्लियामेंट, स्टेट लेवल के लॉज स्टेट असेंबली, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पार्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, जुडिशरी में यहाँ पे तुम्हारा जो आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एटसेट्रा, ये सभी यहाँ पे आ जाएंगे। ये 3 डिपार्टमेंट हैं आपके इंडिया के संविधान में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है लोगों को अप्लाई करना, और ज्यूडिशरी डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके डिस्प्यूटेड मैटर है उनको रिजोल्व कौन करवाएगा जी। ठीक है जी, अब यहां पे लिखो जी एनालिसिस ऑफ आर्टिकल 245, 246, 248, 254 इनका एनालिसिस लिखो जी। अब यहां पे लिखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहते हैं रेफर करो, रेफर क्या 7th शेड्यूल, ये कहता है रेफर करो 7th शेड्यूल। ठीक है जी, अब इस 7th शेड्यूल में ये बोलता है 3 लिस्ट हैं, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं जी। ठीक है जी, लिस्ट 1 का नाम जो है, नाम है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 का नाम है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है जी, ये 3 लिस्ट आपके निकल के आती हैं। अब लिस्ट 1 में जो मैटर हैं, अब लिखो यहां पे लॉ मेकिंग अथॉरिटी, लिस्ट नंबर 1 के मैटर पे लॉ को बनाने वाला कौन है, मतलब जितने भी मैटर लिस्ट नंबर 1 पे आते हैं उस पे लॉ को बनाने वाला कौन है जी, यहां पे है पार्लियामेंट, यहां पे स्टेट असेंबली, और यहां पे कौन है जी, पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। ठीक है, अच्छा जो लिस्ट नंबर 3 है इसको तुम लिख सकते हो नोट इन अवर सिलेबस, क्योंकि इसमें कोई भी टैक्स नहीं है। तो लिस्ट नंबर 1 में टैक्स है, लिस्ट नंबर 2 में टैक्स है, लिस्ट नंबर 3 में कोई भी टैक्स नहीं है, बस ये बात ध्यान दो जी। अब लिखो यहां पे जी एक्सटेंट ऑफ लॉज, मतलब कि अगर पार्लियामेंट को लिस्ट नंबर 1 के मैटर पे लॉ लगाने की पावर है तो पावर वो कहां तक है। भाई पार्लियामेंट को अगर लिस्ट नंबर 1 के मैटर पे लॉ लगाने की पावर है तो पावर वो कहां तक है, तो ये कहता है होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया कि पार्लियामेंट पूरी इंडिया पर भी लॉ लगा सकती है और इंडिया के कुछ हिस्से पर भी लॉ लगा सकती है, जहां पर उसका मन करे वहां पूरी पूरी पावर दे रहे पार्लियामेंट को। स्टेट असेंबली को लॉ लगाने की पावर है होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट, और यहां पे डिपेंड करता है लॉ बनाने वाला कौन है, इट डिपेंड्स ऑन लॉ मेकिंग अथॉरिटी, ये डिपेंड करता है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है, बट इसके नीचे लिखना इफ कन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन पार्लियामेंट and state assembly then parliament will prevail, parliament will prevail। अब यहां पे लिख देना subject to प्रेसिडेंट एसेंट, मतलब अगर प्रेसिडेंट ने कह दिया स्टेट प्रिवेल करेगी, देश के राष्ट्रपति ने कह दिया स्टेट प्रिवेल करेगी, तो स्टेट प्रिवेल कर सकती है, नहीं तो हर केस में पार्लियामेंट ही प्रिवेल करेगी। बस ये पर ध्यान दो, बात समझ में आ रही है जी? ठीक है। अब देखो लिस्ट नंबर 1 और लिस्ट नंबर 2 में मैटर कौन कौन से हैं जी? भाई ये जो यहाँ पे आ रहा है, अब कौन कौन से मैटर ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में कवर हैं, तो लिखो यहाँ पे जी। अब यहाँ पे लिखो नेम ऑफ टैक्सेस, लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 2, ठीक है जी। अब लिखो यहाँ पे जी, सबसे पहला लिखो यहाँ पे टैक्सेस अदर देन, टैक्सेस अदर देन या टैक्स, यहाँ पे लिखो टैक्स, टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स अदर देन टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब किसी भी इनकम पे टैक्स लगाने की पावर अदर देन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। तो लिस्ट 1 में है एंट्री नंबर 82, एंट्री नंबर 82 और टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम उस पे लगाने की पावर है, लिस्ट 2 में स्टेट लॉ लगाती है एंट्री नंबर 46, ठीक है। मतलब एग्रीकल्चर इनकम पे अगर टैक्स लगाना है तो स्टेट असेंबली लगाएगी एंट्री नंबर 46 से पावर लेकर, और इनकम टैक्स का लॉ जो बना हुआ है वो लगाने वाली पार्लियामेंट है। बस ये पर ध्यान दो। अब आगे जी, कस्टम, कस्टम ऐसे सिलेबस का पार्ट नहीं है बट फिर भी लिख लो एंट्री नंबर 83, एक्साइज एंट्री नंबर 84, जो पहले सर्विस टैक्स था ब्रैकेट में लिख देता हूं डिलीटेड, अब ये डिलीट हो चुका है, ये एंट्री नंबर 97 में था, ठीक है ना। ये सर्विस टैक्स एंट्री नंबर 97 से बना था। और अगर मैं अब बात करता हूं तो अब जो यहां पे निकल के आ रहा है जीएसटी, तो ना ये इस लिस्ट में है ना ये इस लिस्ट में है। तो जीएसटी का जन्म जो हुआ है ना, ये हुआ है आर्टिकल 246 कैपिटल ए से। तो ये पूरी कहानी है जी। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? चलो अच्छा, अब सुनो ध्यान से। अब ये हो गया, देखो ये जो है ना, ये लॉ मेकिंग अथॉरिटी ये है आर्टिकल 246, एक्सटेंट ये है 245। तो अगर आप चेक करोगे 246 हो गया, 245 हो गया, 254 हो गया, ये तीनों आर्टिकल हमारे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब इसके नीचे यहाँ पे लिखो इफ एनी मैटर नॉट कवर्ड इन लिस्ट 1, 2, 3, हाँ जी, अगर कोई मैटर तीनों लिस्ट में कहीं पर भी कवर नहीं है, देन लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंट्री नंबर 97 ऑफ यूनियन लिस्ट लॉज, एंट्री नंबर 97 ऑफ यूनियन लिस्ट, मतलब जितने भी आपके बच्चे कुछ लो है ना, ये सब 97 से बनते हैं। और ये बात बोलिए आर्टिकल नंबर 248, ये हमारा आर्टिकल नंबर 248 है जी। चलो जी, अब मेरे को बताओ, सारे बच्चे बताओ कौन कौन से आर्टिकल हमारे हो चुके हैं जी। फटाफट से बोल दो यार जी, कौन कौन से आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए। हेलो भाई साहब, ओए इधर, कौन कौन से आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फटाफट से बोलना जी। आर्टिकल नंबर 245, 246, 248, 254। 245 की हेडिंग क्या है? एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। 246 सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। 248 248 हमारा है रेजिडुअरी आर्टिकल। फिर उसके आगे आएगा 254 कौन प्रिवेल करेगा। तो 245 एक्सटेंड कहां तक लॉ लगाने की पावर है, तो होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, स्टेट को होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। फिर कौन कौन से मुद्दे पर लॉ लगाने की पावर है, लिस्ट नंबर 1 पे पार्लियामेंट, लिस्ट नंबर 2 पे स्टेट, फिर लिस्ट नंबर 3 पे दोनों, जहां दोनों वहां प्रिवेल करेगी पार्लियामेंट। फिर अगला आ रहा है 248, अगर कोई मैटर तीनों लिस्ट में कहीं पर भी कवर ना हो तो लॉ बनाने वाली पार्लियामेंट है, लिस्ट नंबर 1 एंट्री नंबर 97 से लॉ को बना है। और फिर ये सारे आर्टिकल आपके सामने निकल के आते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, अब बोल दो मेरे बच्चों। यार तुम ना बोलते नहीं हो ना, मेरे को डर लगता है कि तुम्हें मेरी बातें समझ में आती भी है नहीं आती जी। डन, पक्का पक्का। चलो अब यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे एक आर्टिकल है, सर नोट 100% क्लियर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो भाई अंकित पूछना, कब पूछेगा, जब पेपर आएंगे नालायक। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर थोड़ा कंफ्यूजन दूर करो ना। एक बार प्लीज शॉर्ट में है यार। अभी तो मैंने यार अंकित यार देख भाई मेरी बात सुन, मैंने अभी भी कहा देख सोना है सो। अभी मैंने 2 मिनट पहले पूरे आर्टिकल तो रिवाइज करवाए हैं भाई मेरे। 245 मैंने अभी रिवाइज कराया, 246 रिवाइज करवाया। कैसे बेकार की बातें कर रहा है तुम। देख 245 एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली, ठीक है। 246 पावर सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन से मुद्दे पर लॉ बनाना है। 248 रेजिडुअरी, रेजिडुअरी का मतलब होता है कि अगर कोई मैटर ना वो लिस्ट 1 में है, ना वो लिस्ट 2 में है, ना वो लिस्ट 3 में है, तो बनाने वाला कौन है, पार्लियामेंट, एंट्री नंबर 97 से बना हुआ है, ठीक है। और फिर 254 अगर कंफ्लिक्ट हो गया तो प्रीवेल करेगी पार्लियामेंट। हाँ जी, आपको याद करने हैं जी, ये सारे याद करने हैं, ठीक है। चलो अब लिखो यहाँ पे एक अगला आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल नंबर 265। है छोटा सा बट है बहुत इंपॉर्टेंट, है छोटा सा बट है इंपॉर्टेंट। अब ये कौन सा आर्टिकल है 265, देखो जी 265 है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड By authority of law, बस इतना सा आर्टिकल है जी। शिवानी टैक्स अदर देन एग्रीकल्चर इनकम का मतलब यह है कि एग्रीकल्चर इनकम पे अगर टैक्स लगाना है तो लगाने की पावर स्टेट को है। और एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के अगर तुम कोई भी इनकम कमा रहे हो, उस इनकम पे टैक्स लगाने की पावर पार्लियामेंट को है। तो अगर 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 तुम्हारा काम, तुम फार्मर हो, तुम एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो, उस पे टैक्सेबिलिटी स्टेट बताएगी, लिस्ट एंट्री नंबर 46, ठीक है ना। और अगर मान लो उसको छोड़ के तुम कोई इनकम कमा रहे हो, उस पे लॉ लगाने वाली पार्लियामेंट है, एंट्री नंबर 82। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट अभी वही चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। अब एक बात मेरे को बताओ, ये सारे के सारे बच्चे एक बार लाइन बोलना, क्या लिखी है जी? एक बार सारे के सारे बच्चे के बाद लाइन बोलो, क्या लिखी है। कह रहे नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब ना तो कोई टैक्स लगेगा और ना ही कोई टैक्स कलेक्ट होगा, किसके, बिना अथॉरिटी ऑफ लॉ के, मतलब बिना एक्ट के। मैं दोबारा बोलूंगा, ना तो कोई टैक्स लगेगा और ना ही कोई टैक्स कलेक्ट होगा विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब जब तक एक्ट नहीं बनेगा ना, जब तक एक्ट नहीं बनेगा ना ही हम कोई टैक्स लगा सकते हैं और ना ही कोई टैक्स हम कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब टैक्स लगाने के लिए एक्ट बनाना जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। अब इसलिए मैंने कहा था याद करो, इनकम टैक्स लगने के लिए कौन सा एक्ट बना हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट। नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, ओहो, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड, यहां पे चेंज होगा, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, हाँ जी, इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि अगर कोई भी टैक्स लगाना है तो पहले एक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स के लिए क्या बना है, इनकम टैक्स एक्ट बना हुआ है। जीएसटी के लिए क्या है, जीएसटी एक्ट बना है। कस्टम के लिए कस्टम एक्ट है। एक्साइज के लिए एक्साइज एक्ट है। स्टैंप ड्यूटी के लिए स्टैंप एक्ट है। तो अलग अलग एक्ट बने हैं, इसीलिए जो भी एक्ट बने हैं ये एक्ट बनाना जरूरी है। इसके बिना ना लेवी होगा ना कलेक्ट होगा। ये बात कहां लिखी है, 265 में लिखी है। तो आज अगर मुझे कोई भी टैक्स एप्लीकेबल करना है या कोई भी टैक्स मुझे लगाना है तो सबसे पहले एक्ट बनेगा। बिना एक्ट के ना तो वो लगेगा और ना ही वो कलेक्ट होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरा पूरी क्लास से बस एक क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप मुझे आंसर दे सकते हैं मजा आ जाएगा जी। इसने ना दो वर्ड लिखे हैं, कह रहा है नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। मैं बस एक बात जानना चाहता हूं, लेविड और कलेक्टेड में क्या फर्क है। मतलब आर्टिकल 265 कह रहा है ना तो ये टैक्स लगेगा और अगर लग गया तो ना ही ये टैक्स कलेक्ट किया जाएगा जब तक एक्ट नहीं बनेगा। मतलब अगर किसी टैक्स को लगाना है या अगर किसी टैक्स को कलेक्ट करना है तो पहले एक्ट बनाना जरूरी है। बिना एक्ट के ना तुम लगा सकते हो और ना ही तुम कलेक्ट कर सकते हो। मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, कुछ दिनों के बाद हम अपना इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। जब अप्रोक्सीमेट हमारे जीएसटी के 40 लेक्चर हो जाएंगे तो 40 लेक्चर के बाद हम अपना इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। और जब इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा इनकम टैक्स में ना एक एग्जम्पशन लिमिट होती है। अब इनकम टैक्स में एग्जम्पशन लिमिट जो होती है, मैं भी आपने सुना 2.5 लाख की लिमिट होती है, 3 लाख की लिमिट होती है कुछ केसेस में, तो वो एग्जम्पशन लिमिट होती है। मान लो एक पर्सन है मिस्टर एक्स, मान लो मिस्टर एक्स की बात करते हैं, या मिस्टर एक्स छोड़ो, मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर वीजी है। मेरी पूरे साल की इनकम जो है वो 2 लाख रुपए की इनकम है, मतलब मेरी इनकम जो है वो 2.5 लाख से कम है, ठीक है जी। और दूसरा केस, मान लो मेरी पूरे साल की इनकम जो है वो 15 लाख रुपए की है, ठीक है। अब अगर मेरी इनकम 2 लाख की है, मेरी इनकम 15 लाख की है, अब सारे बच्चे बोल देना अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए की है, पूरे साल 2.5 लाख तक है, तो क्या इस 2 लाख की इनकम पर मुझे कोई भी टैक्स पे करना पड़ेगा? मेरे को सारे बच्चे बताओ, अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपए की है तो क्या इस 2 लाख रुपए की इनकम के ऊपर कोई मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं पे करना। रीजन, क्योंकि इनकम 2.5 लाख तक है। अगर इनकम 2.5 लाख तक है तो टैक्स मेरा बनेगा नील, तो इस पे जो आपका टैक्स बनेगा वो बनेगा नील जी, ठीक है। अच्छा अब दूसरे पर आओ, तुम्हें देखने से क्या लग रहा है? देखने से लग रहा है 15 लाख रुपए की इनकम है, इनकम पे टैक्स लगेगा। भाई सिंपल सी बात ये निकल के आ रहा है, अगर 15 लाख रुपए की इनकम है तो ये बात तो कंफर्म है कि इनकम पे टैक्स लगेगा। बट क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि 15 लाख रुपए की इनकम जो है वो एग्रीकल्चर इनकम है। अब अगर 15 लाख रुपए की इनकम एग्रीकल्चर इनकम है तो तुम सब जानते हो एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो इनकम टैक्स में एग्जम्प्ट होती है। सेक्शन 10 हमारे इनकम टैक्स में, सेक्शन 10 कहता है एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जम्प्ट, उसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं है। तो अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है तो यहां पर भी टैक्स बनेगा नील, क्योंकि सारी की सारी इनकम ही एग्जम्प्ट है। और जब इनकम एग्जम्प्ट है तो टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर भी टैक्स नील है, यहां पर भी टैक्स नील है, क्या बता सकते हो दोनों में नील आने का रीजन क्या है? मतलब पहले वाले में नील आया तो पहले वाले में नील आने का रीजन क्या है कि टैक्स लेवी ही नहीं हुआ या लेवी तो हुआ बट कलेक्शन नहीं होगा जी। देखो सारे बच्चे मेरे को पहले वाले का रीजन बताएंगे कि पहले वाले में नील क्यों आ रहा है, कि लेवी ही नहीं हुआ मतलब नोट लेविड, या लेविड बट नोट कलेक्टेड। बताओ क्या रीजन है जी। कई बच्चे कह रहे हैं लेविड बट नोट कलेक्टेड और कई बच्चे कह रहे हैं लेवी ही नहीं हुआ। चलो ओके 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 ठीक है। अब दूसरे पर आओ जी, अब 15 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। अब अगर 15 लाख की इनकम पे 0 है तो क्या टैक्स लेवी ही नहीं हुआ या लेविड बट नॉट कलेक्टेड? बताओ सेकंड का रीजन क्या है जी। अब मेरे को सारे बच्चे रीजन बताएं सेकंड वाले का। 15 लाख रुपए की इनकम के ऊपर भी टैक्स 0 है तो सेकंड वाले केस में लेवी ही नहीं हुआ या लेवी बट नॉट कलेक्टेड। बताओ जी। हाँ जी, जो ये कह रहे हैं लेवी बट नोट कलेक्टेड, कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर नोट लेविड और कई सारे बच्चे कह रहे हैं लेविड बट नोट कलेक्टेड। तो सर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फर्स्ट वाले में टैक्स नील है तो इसका रीजन है नोट लेविड। सेकंड वाले में, मैं दोबारा बोलूंगा, सेकंड वाले में टैक्स नील है, इसका रीजन है लेविड बट नॉट कलेक्टेड। मतलब पहले वाले में एक्ट लगा ही नहीं है, मतलब एक्ट ने कहा अगर तेरी इनकम 2.5 लाख तक, अगर तेरी इनकम 2.5 लाख तक है तू एक्ट से ही बाहर है, तेरे ऊपर इनकम टैक्स की बात ही नहीं है। बट सेकंड वाले केस में गवर्नमेंट कह रही है अगर एक बार एक्ट लग चुका है तो फिर अगर एग्जम्प्ट हो गया तो वो एग्जम्प्ट इनकम टैक्स ने किया है, मतलब लेवी बट नॉट कलेक्टेड, हम नॉट लेवी नहीं कह सकते, बस ये पर ध्यान दो। तो नोट लेविड का मतलब होता है एक्ट ना लगना, और नोट कलेक्शन का मतलब होता है एक्ट लगने के बाद किसी वजह से एग्जम्प्ट हो जाना, उसको बोलते हैं लेविड बट नोट कलेक्टेड। तो क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पर मैं बात करूंगा नोट लेविड और यहां बात करूंगा नोट कलेक्टेड। तो चाहे मुझे टैक्स ना लगाना हो, चाहे मुझे ना कलेक्ट करना हो, इन दोनों के लिए एक्ट बनाना जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो। अब मैं अपनी ना फेस टू फेस क्लास में एग्जाम्पल देता हूं, अब आपको समझ नहीं आ रहा दूं या ना दूं, क्योंकि फेस टू फेस क्लास का आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आप फेस टू फेस में मतलब फेस टू फेस में पढ़ते नहीं तो, बट इमेजिन करना फेस टू फेस क्लास में क्या होता होगा। अब जैसे मेरी फेस टू फेस क्लास जो चलती है, अब फेस टू फेस क्लास ऑब्वियस सी बात है सीए वाले बच्चों की मेरी नहीं चलती, जो सीएस वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो सीएस वाले बच्चों की मेरी फेस टू फेस क्लास चलती है, और सीए वाले बच्चों को मैं लाइव ही पढ़ा रहा हूँ, तुम सब लाइव पढ़ रहे हो, और उम्मीद करूंगा तुम्हें लाइव क्लास के अंदर थोड़ी बहुत फीलिंग जरूर आती होगी फेस टू फेस क्लास की, तुम्हें फील होता होगा कि हम गाबा सर के सामने ही बैठे हैं। बट जो सीएस वाले बच्चे हैं उनकी जो मैं क्लासेस लेता हूं लक्ष्मी नगर में, तो वो होती है फेस टू फेस, ठीक है। अब फेस टू फेस में भगवान की दया से सीएस के कुछ बच्चे मेरे को जानते हैं कि टैक्स में थोड़ा बहुत मेरा नाम वहां पर है, तो उनको लगता है कि अगर टैक्स की क्लास लेनी है तो गाबा सर से क्लास लेनी है जी। अब क्या होता है फेस टू फेस में ना पूरा क्लासरूम जो है फुल हो जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट यहाँ पे मान के चलो कि 150 बच्चे या उससे भी ऊपर थोड़े से कई बार बच्चे होते हैं, तो क्लासरूम जो है पूरा फुल हो जाता है और जगह नहीं होती कई बार बैठने की अगर बच्चे पूरे के पूरे आ जाते हैं। तो होता क्या है जब क्लासरूम फुल हो जाता है ना, जब क्लासरूम फुल हो जाता है तो आपको भी चेक करना कई बार क्या होता है कुछ बच्चे लेट आते हैं तो वो सामने वाले को बोलते हैं कि भाई मेरी सीट रिजर्व कर लियो। ऐसा आपने नॉर्मली क्लासेस में देखा होगा, कई बार हम बोल देते हैं कि भाई अपना बैग रख लियो, मेरी सीट रिजर्व कर लियो, मैं 10-15 मिनट के अंदर आ जाऊंगा जी। अब क्या हुआ एक दिन, क्या हुआ एक दिन एक लड़के को, एक बच्चे को उसकी बेबी का मैसेज आ गया, तो उसकी बेबी ने बोला हेलो बाबू क्या तल्ले हो, तो बाबू ने बोला बेबी मैं तो क्लास पहुंच गया, तो बेबी ने बोला बाबू क्लास पहुंच गए, मैं ना क्लास में ना 15 मिनट में आ रही हूँ, आप मेरी सीट रोक लोगे? बाबू ने कहा तेरे तो जान भी हाजिर है, कैसी बात कर दी बेबी, तेरे चक्कर में तो सीट पे लेट जाऊंगा, लड़ाई कर लूंगा, सीट तेरी रोक लूंगा बेबी, 15 मिनट के बाद तुम आप यहाँ पे आ जाना जी। अब क्या हुआ बाबू ने बेबी की सीट रोक ली, अब बाबू ने बस्ता उठा के साइड में रख दिया और बाबू वेट करने लगा बेबी का, बट क्लास तो स्टार्ट हो गई। अब थोड़ा सा मेरे अंदर कमी ये है, कमी कहो प्रॉब्लम कहो या कुछ भी कहो, थोड़ा सा मेरे अंदर कमी ये है कि मैं टाइम का पंचुअल बहुत हूँ, मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा पंचुअल हूं। आप मानो कि मेरी सुबह क्लास जो होती है 7:45 पे होती है, मैं 7:25 पे आके बैठ जाता हूँ। अब ये मत कहना कि घर से वेला हूं ये हूं, मेरे को ना एक अंदर से होता है यार मैं लेट ना पहुंचू बस, मतलब मैं किसी के 5 मिनट भी वेस्ट ना करूं, भाई टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, ये वैल्यू समझ में आती है आगे आने वाले टाइम के बाद। तो मेरे को लगता है कि मेरी वजह से लेट नहीं होना चाहिए, हाँ बच्चा लेट आ रहा है उसकी प्रॉब्लम है बात एक अलग है, बट मेरी अगर क्लास 7:45 पे है तो 7:45 पे क्लास स्टार्ट होनी चाहिए। आपने देखा भी होगा कि अगर मेरी क्लास आपकी 2:30 बजे होती है सीए वाले बच्चों की, तो 2:30 का मतलब 2:30 होता है, तो मतलब मेरे को ये लगता है कि जो टाइम मैंने स्टार्टिंग का रखा या जो टाइम मैंने एंडिंग का रखा तो टाइमली कंप्लीट हो, मतलब ना मैं लेट स्टार्ट करूं ना मैं लेट खत्म करूं, टाइमली स्टार्ट हो टाइमली खत्म हो, आउटपुट उतना ही निकलता है। भाई अगर आप चेक करोगे ना जो आउटपुट हम 2 घंटे 35 मिनट में निकाल रहे हैं, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं लोग 3 घंटे में निकालते हैं। सर 3 घंटे के अंदर भी 15-20 मिनट की ब्रेक होती है भाई, अब ऑब्वियस बात है मैं तुम्हारी क्लास 3-3.25 घंटे की लूंगा 2-3-4 दिनों के बाद जब भी लूंगा तो उसमें ब्रेक नहीं होगा, तो 15-20 मिनट का तो ब्रेक भी होगा, तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना वो आउटपुट जो निकल के आएगा वो 3 घंटे का आउटपुट निकल के आएगा, इसके ऊपर का आउटपुट निकल के नहीं आता, जो मेरा मानना ये है। तो अब क्या हुआ कि अब भाई साहब क्लास स्टार्ट हो गई, अब क्लास स्टार्ट हो गई 7:45 पे, 7:45 पे क्लास स्टार्ट हो गई, ये लास्ट बैच की बात कर रहा हूँ मैं, 7:45 पे क्लास स्टार्ट हुई, तो बाबू बैठा, बेबी की सीट रोक के रखी जी। अच्छा अब क्या हुआ, क्लास फुल हो गई बिल्कुल, एक सीट ना बिल्कुल लास्ट में खाली पड़ी थी। अब एक सीट बिल्कुल लास्ट में खाली पड़ी थी तो एक बच्चा आया, बेबी नहीं एक बच्चा आया, तो वो देखे सीट कहाँ है, सीट कहाँ है, सीट कहाँ है, सीट कहाँ है। उसको लगा वो लास्ट में सीट खाली पड़ी है। अब अगर वो लास्ट में सीट अपना खाली पड़ी है तो वहां जाके तो मैं क्या ही बैठूंगा। उसको लगा आगे भी सीट खाली पड़ी है, इस बच्चे ने बैग रख रखा है। अब उस बच्चे ने ना आ देखा ना ता देखा, बैग उठाया, उसकी गोदी में रखा और बैठ गया। भाई साहब घमासान हो गया। तो उसने भाई साहब बेबी की सीट पे बैठ गया, तो बाबू को बड़ी दिक्कत आई। तो बाबू ने बोला, ओए भाई क्या तेरे को बैग नहीं दिख रहा क्या? नहीं, इतना बड़ा बस्ता यहाँ पे रख रखा, तेरे को बस्ता नहीं दिख रहा? भाई यहाँ पे कोई बैठा, मेरा दोस्त आएगा, अपना पीछे कहीं जा, भाई यहाँ बैठने की जगह नहीं। उसने कहा दिमाग खराब मत कर, 10 मिनट हो गए, 10 मिनट क्लास में लेट पहुंचा हूं, पीछे बहुत जाऊंगा तो सारी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे बैठूंगा। अब उसने बोला नहीं नहीं यहाँ नहीं बैठ सकता भाई, यहाँ नहीं बैठ सकता, मेरे दोस्त ने आना है। उसने कहा दोस्त तेरा आएगा भाई, क्या चक्कर है, तूने कोई सीट रोकी थोड़ा हुई है तेरे, वो कहते ना तेरे बाप की सीट थोड़ा है, सिंपल सी बात है, मैं तो बैठूंगा। अब मैंने एक बार इग्नोर किया, 2 बार इग्नोर किया। अब होता क्या है, जब बच्चों की लड़ाई शुरू हो जाती है ना तो फिर बच्चे अच्छे अच्छे वर्ड यूज करते हैं। तो एक बच्चा कहता है बस तेरे पास इतना ही अच्छा वर्ड है, ये एक अच्छा वर्ड और पकड़, ये मैंने कल रात को ही इन्वेंट किया है। तेरी और तेरी और तेरी और तेरी और तेरी और एक से एक वर्ड भाई साहब निकल के अंदर से निकल के आता है, अलग अलग वैरायटीज के निकल के आते हैं। और कुछ वर्ड्स तो ऐसे ही होते हैं जो अभी 2 मिनट पहले ही बनाए होते हैं, खुद भी समझ में नहीं आता क्या बोल गए, बट बोल दिया, मजा बहुत आया बोलने के अंदर। क्लास में स्टार्ट हो गया जी, अच्छे अच्छे वर्ड यूज हो रहे हैं। अब डिस्ट्रैक्शन तो होती है, तो फाइनली मैंने क्लास अपनी रोकी। मैंने क्या प्रॉब्लम है भाई, तुम्हें 10 मिनट से मैं इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि क्लास चल रही है, पूरी क्लास तुम डिस्टर्ब करो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो वो बाबू बोल पड़ा, कहता इसको समझाओ, इसको देखो क्या प्रॉब्लम है, इसको देखो ना प्रॉब्लम क्या है, सीट मैंने यहाँ पे रोकी हुई है, मेरे दोस्त ने आना है, यहाँ के बैठ रहा है। मैं कहता तूने सीट किसकी रोकी हुई है? सीट रोकी है मेरा दोस्त। मैं कहता तेरे दोस्त जब आएगा इसको यहाँ पर बैठने दे भाई, ये कोई सीट ऐसा नहीं है कि तू रोक के बैठ जाएगा। टाइमिंग 7:45 की है, अब यहाँ पे 8 बज गए हैं, तेरा दोस्त जब भी आएगा ना पिछड़ा के बैठ जाएगा। उस बच्चे को बुरा तो लगा बट मैंने बोल दिया तो अब क्या ही करेगा वो। अब यहाँ पे बच्चा बैठ गया, बाबू को चैन नहीं आया, बाबू के मन में एक खलबली मच गई, एक 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 भूचाल सा अंदर आ गया कि बेबी की सीट पे कौन बैठ गया, बेबी की सीट पे बाबू बैठ गया। अब 2 बाबू इकट्ठे हो गए। तो अब ये जो बाबू जिसको कहा था कि सीट रोक, इस बाबू को अभी भी चैन नहीं आया। इसने भाई साहब बैठे बैठे साथ वाले बच्चे की गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ के बोला बेटा तू बाहर चल, ना 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 तू बाहर चल, तुझे यार मैं बाहर देख लूंगा, तू बाहर चल। अब जैसे इसने बोला कि तू बाहर चल, तुझे बाहर देख लूंगा, अब सोच के बोलना क्या मैं कह सकता हूं, इस बच्चे ने इस बच्चे की पिटाई लेवी कर दी। अब जैसे ही बाहर जाएगा दे थप्पड़ पे थप्पड़, दे थप्पड़ पे थप्पड़, कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवी एंड कलेक्शन। ओ माय गॉड, हाँ बिल्कुल सही एग्जाम्पल है कि तू बाहर चल, तुझे बाहर देख लूंगा, पिटाई लेवी हो चुकी है, पिटाई तो लेवी हो चुकी है। जैसे बाहर जाएगा दे थप्पड़ पे थप्पड़, कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेवी एंड कलेक्शन। एक्ट तो लग चुका है, एक्ट तो लग चुका है, अब एक्ट तो लग चुका है, कलेक्शन होगा नहीं होगा। अच्छा क्या हुआ, अब ये बाहर निकले, जब बाहर निकले तो जो बच्चा इसकी सीट पे ऊपर बैठा था, अब बेबी आई, बाद में बेबी आई, बेबी ने कुछ नहीं किया, बेबी ने बोला एक काम बोला वो भी नहीं करता नालायक कहीं का, बेबी हूं करके निकल गई। अब जो बाद में हुआ मुझे नहीं पता, बट सिंपल सी बात है, अब बाहर जैसे ही भाई साहब बाहर निकला वो, उसको लगा आज तो रैप्टे पड़ेंगे। अब दूसरे बच्चे ने बोला जो उसकी भाई 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 भाई, भाई देख ले भाई 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 गलती हो गई भाई, भाई आगे से नहीं भाई, भाई मेरे को पता था तेरी बेबी की सीट है भाई, भाई प्लीज कसम लगे माता रानी की भाई माफ कर दे। अब इस बाबू को थोड़ा दया भाव आ गया, उसने कहा चल ठीक है मैं तुझे माफ कर रहा हूँ, मतलब माफ कर रहा हूँ, मतलब लेवी तो हो गया अब कलेक्शन नहीं होगा। लेवी तो हो गया था बट अब कलेक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिसने एक्ट लगाया था उसी ने ही माफ कर दिया, तो उसको बोलते हैं लेवी बट नॉट कलेक्शन। तो बात समझ रहे हो, लेवी का मतलब क्या होता है, एक्ट लग जाना, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्ट लगने के बाद पैसा ले लेना, नॉट लेवीड का मतलब एक्ट ही ना लगना, नॉट कलेक्शन का मतलब एक्ट लगने के बाद माफ कर देना। ये आपकी सारी बातें निकल के आती है। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ जी डन। बच्चा कह रहे बात सच्ची हो तो मैं अपनी कहानियां बना रहा हूं क्या नालायक? इतनी सारी कहानियां मैं कैसे बना पाऊंगा जी? ठीक है जी। तो ये बात बिल्कुल काल्पनिक घटनाओं पर आधारित नहीं है, ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है और ये घटना मेरे लास्ट बैच की है जी। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर आर्टिकल 265 की बात करता हूं तो वो कहता है अगर आपको टैक्स लगाना है एंड कलेक्ट करना है तो पहले एक्ट बनाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है? डन। बच्चा कह रहा रट गया पूरा, ये नहीं भूलेंगे भाई, ये नहीं भूलेंगे। डन। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। सब बच्चा कह रहा है सर कलेक्शन हुआ या नहीं हुआ? अब ये तो भाई उसको पता यार, इसकी मैं सही बताऊं तो मैं गेट से बाहर गया ही नहीं क्योंकि रैप्टा मेरे ही पढ़ सकता था। पता लगा क्लास में तो टीचर हूँ, वो तो बेचारा मुझे कुछ कह नहीं सका। पता लगे बाहर जैसे निकला रैप्टा मेरे मुंह पे आ गया, जबकि मेरे ऊपर तो लेवी भी नहीं हुआ था। विदाउट लेवी कलेक्शन स्टार्ट। तो मैंने कहा ऐसी की तैसी, मैं अपने ऊपर कलेक्शन नहीं कराऊंगा भाई, जब तक लेवी नहीं होगा मैं कलेक्शन नहीं कराऊंगा। मैं अंदर ही बैठा रहा। जब मामला सुलटा फुलटा तो फिर मैं नीचे गया, ना लेवी ना कलेक्शन, काम खत्म जी। हाँ, क्यों रिस्क लेना यार? देखो बाबू बेबी के खेल में ना रिस्क नहीं लेना चाहिए भाई। बाबू बेबी के खेल ना कई बार इमोशनल हो जाते हैं, तुम्हें यही तो बातें पता नहीं है। बीच में आ तो गया मैं क्लास में चोड़ में, मैं टीचर था उस टाइम क्लास में। हाँ, चिन टपक धम धम हो गया, मेरा काम खत्म जी। ठीक है जी, चलो वापस आओ जी। अब सुनो ध्यान से जी। हेलो भाई साहब सुनो, तो अब यहाँ पे अभी तक हमने कौन कौन से आर्टिकल कर लिए जी? हाँ जी, अभी तक कौन कौन से आर्टिकल कर लिए? तो अभी तक एक तो हमने कर लिया आर्टिकल नंबर 245, बहुत बढ़िया। एक हमने आर्टिकल कर लिया 246, बहुत बढ़िया। एक हमने आर्टिकल कर लिया 248, बहुत बढ़िया। एक हमने आर्टिकल कर लिया 254, वेरी गुड। और एक हमने आर्टिकल कर लिया 265। देखो बातों ही बातों में हमारे 5 आर्टिकल हो गए, पता ही नहीं लगा जी। 5 आर्टिकल हमारे डन हो गए। और बताऊं आर्टिकल नंबर 1 भी हो गया हमारा। है कब आर्टिकल 1 कब करवाया? हो गया याद करो, इंडिया की डेफिनेशन याद है? इंडिया की डेफिनेशन, वो बेस लाइन 12 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स, 28 स्टेट, 8 यूटी, 3 यूटी अलग, 5 यूटी अलग। अगर आपको याद आ रहा हो तो वो हमारा आर्टिकल नंबर 1 ही था। ठीक है। और एक आर्टिकल 366(12A) भी हो गया। याद करो जीएसटी की डेफिनेशन, जीएसटी इज ए टैक्स which is levied on supply of goods or service or both except the supply of alcoholic liquor for human consumption। तो ये चेक करो, ये सारे आर्टिकल हमारे अभी तक हो चुके हैं जी। ठीक है ना? तो ये सारे आर्टिकल अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार फटाफट से लास्ट टाइम रिकॉल करते हैं, फिर हम अगले आर्टिकल के ऊपर आएंगे जी। आर्टिकल नंबर 245 किसका है? आर्टिकल नंबर 245 है एक्सटेंट ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। मतलब अगर पार्लियामेंट को लॉ लगाने की पावर है, वो पावर इंडिया में कहां तक है, और अगर स्टेट असेंबली को लॉ लगाने की पावर है तो फिर स्टेट को कहां तक है? तो होल ऑफ इंडिया और पार्ट ऑफ इंडिया, और होल ऑफ स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट। ऐसे 246 मतलब सब्जेक्ट मैटर कि किस किस मुद्दे पर लॉ लगाने की पावर है। ठीक है, किस किस मुद्दे पर लॉ लगाने की पावर है? तो पार्लियामेंट को लॉ लगाने की पावर है लिस्ट 1 के मैटर पर, लिस्ट 2 के मैटर पर स्टेट असेंबली को लॉ लगाने की पावर है, लिस्ट 3 के मैटर पे दोनों को लॉ लगाने की पावर है। अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट प्रिवेल कर जाएगी। 248 अगर कोई मैटर कहीं पर भी कवर नहीं है तो लॉ को बनाने वाली जो होती है वो पार्लियामेंट होती है। 254 अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो पार्लियामेंट विल प्रिवेल। 265 नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 1 इंडिया की डेफिनेशन और आर्टिकल नंबर 366(12A) जीएसटी की डेफिनेशन। ये बातें अभी तक हमने कंप्लीट की हैं। बताओ डन। चिन टपक टम डम। ठीक है, बोलो। ठीक है, चलो जी। अब हमारे आर्टिकल जो बैलेंस बचे हैं, एक तो हमारा आर्टिकल बैलेंस बचा है 246 कैपिटल ए, एक आर्टिकल हमारा बैलेंस बचा है 269 कैपिटल ए, एक आर्टिकल हमारा बैलेंस बचा है 279 कैपिटल ए, एक आर्टिकल हमारा बैलेंस बचा है 270 और एक आर्टिकल बैलेंस बचा 271। ये 5 आर्टिकल हमारे बैलेंस बचे हुए हैं, ठीक है ना। ये 5 आर्टिकल जो हैं वो हमारे बैलेंस बचे हुए हैं। अब सुनो ध्यान से, अब जो मैं आर्टिकल स्टार्ट करवाने जा रहा हूं दैट इज आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है, बात समझ में आ रही है। और इसके साथ में ही एक आर्टिकल 269 कैपिटल ए भी हम कंप्लीट करेंगे और ये जो बैलेंस आर्टिकल हैं इसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 1 फाइनली हमारा खत्म होके चैप्टर नंबर 2 आपका नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट हो जाएगा जी। मैं आपको जैसे ही मेरे ये सारे आर्टिकल खत्म होंगे ना, आपको सारा कुछ बुक से मैच करवा दूंगा, ठीक है। आपको सारा कुछ बुक से मैच करवा दूंगा कहाँ कहाँ पर ये बातें दी हुई हैं जी, टेंशन मत लो बिल्कुल जी, आपको सब कुछ बुक में दिखा दूंगा, ठीक है। हाँ क्वेश्चन करेंगे ना भाई, आंसू मेरे बच्चे, आंसू नहीं बहाने, क्वेश्चन करेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा आपको सारे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन दिखा दूंगा जी, ठीक है। चलो इधर देखो ध्यान से, अब जो आर्टिकल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आर्टिकल नंबर आपका आ रहा है 246 कैपिटल ए और आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल ए। ये दोनों आर्टिकल अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी। सर आईसीए के टैक्स का मॉड्यूल पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है? जितना पढ़ना है जिंदगी में जीना है उतना इंपॉर्टेंट है बस। केशव मेरे भाई सब कुछ बताऊंगा यार, टेंशन मत लो यार, तुम ना टेंशन मत लो यार, तुम ना टैक्स की टेंशन छोड़ दो, तुम अपने दिमाग से ना टैक्स की टेंशन हटा दो, ठीक है। एक एक चीज मैंने कहा ना, 40 लेक्चर जिस दिन खत्म होंगे तुम उस दिन मुझे बताना कि कुछ बचा या नहीं बचा, ठीक है। सब सेक्शन, सेक्शन क्लोजेज, आईटीसी, रजिस्ट्रेशन, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन मत लो, बस धीरे धीरे चलते रहो जी, ठीक है ना। धीरे धीरे अगर आगे चलोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक क्लास के अंदर हम इतनी सारी बातें नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी तुम फाउंडेशन से निकले हो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर बम का गोला घेर दूंगा तुम कहोगे भाई साहब क्या ही हो गया है तुझे। सर अगर आपकी बुक पढ़ ली तो आईसीए का मॉड्यूल पढ़ा है क्या? सेम ही है भाई, सेम ही है, 100% सेम है, 100% सेम है। मेरी बुक पढ़ो या आईसीएआई का मॉड्यूल पढ़ो, बात एक ही है, कोई भी फर्क नहीं है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज आप रेफर करोगे सब कुछ कवरेज उसके अंदर हो जाएगी, टेंशन लेने की बात ही नहीं है जी, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब जो आर्टिकल नंबर है 246 कैपिटल ए, अब याद है मैंने क्या कहा था आपको? मैंने कहा था कि जब इंडिया में जीएसटी लाना था तो इंडिया का संविधान चेंज हुआ। इंडिया का संविधान चेंज क्यों किया गया? क्योंकि इंडिया के संविधान में ऐसा कोई आर्टिकल था ही नहीं जो दोनों को जीएसटी का लॉ बनाने की पावर देता हो। प्रॉब्लम क्या थी कि जब इंडिया में जीएसटी आना था तो पार्लियामेंट ने बोला हम जीएसटी का लॉ लेकर आएंगे, है ना। पार्लियामेंट ने बोला हम जीएसटी का लॉ लेकर आएंगे जी। सर कभी सीएस की क्लास में ऐसा हुआ कि आईसीएसए की जगह आईसीएआई बोल दिया हो? नहीं, ऐसा होता नहीं यार, और अगर बोल भी दिया तो क्या हो गया यार, ऐसा कुछ नहीं होता यार। मेरे को देखो तुम दोनों भाई बहन हो यार, उनकी लाइन लॉ की है, वो लॉ अच्छे से पढ़ते हैं, हमारी लाइन टैक्स की है, अकाउंट्स की है, हम उसको अच्छे से पढ़ते हैं। उनको थोड़ा टैक्स में इंटरेस्ट नहीं आता, मैं कोशिश करता हूँ उनके अंदर टैक्स में इंटरेस्ट आए, उनको अकाउंट्स में मज़ा नहीं आता, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें लॉ में ऐसा लगता होगा, हाँ ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, इतनी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो याद करो मैंने कहा था कि जब इंडिया में जीएसटी लेके आना था। सर आप सीएस भी हो? नहीं, मैं सिर्फ सीए हूँ जी, मैं सीए हूँ, आई एम ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो जब उनको इंडिया में जीएसटी लेकर आना था तो मैंने क्या बोला? संविधान चेंज करना पड़ा। अब बातें बंद करके इधर देखो ध्यान से, बातें बंद करके इधर ध्यान दो, मैं जो तुम्हें बताना चाह रहा हूं। तो अपना संविधान चेंज करना पड़ा। संविधान चेंज क्यों करना पड़ा? क्योंकि इंडिया में जीएसटी लेकर आना था। जब इंडिया में जीएसटी लेकर आना था तो लिस्ट वन से क्यों नहीं आया? क्योंकि लिस्ट वन में सिर्फ पार्लियामेंट बैठी है। लिस्ट टू से क्यों नहीं आया? क्योंकि लिस्ट टू में सिर्फ स्टेट बैठी है। लिस्ट थ्री से क्यों नहीं आया? वहां पर हैं तो दोनों, बट प्रिवेल कौन करती है? पार्लियामेंट। तो अल्टीमेटली पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। तो प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है सारी की सारी, भाई जीएसटी लाए कैसे? क्योंकि जीएसटी को लाना जो है ना वो हमें ऐसे लाना है कि दोनों को इक्वल पावर हो जीएसटी का लॉ बनाने की। क्योंकि 9 टैक्स खत्म हो रहे हैं सेंट्रल के, 8 खत्म हो रहे हैं स्टेट के, तो इन्होंने भी अपनी आहुति दी है, इन्होंने भी अपनी आहुति दी है। जब दोनों ने अपनी आहुति दी है तो भाई जीएसटी तो दोनों का लाना बनता है ना। तो फाइनली ये डिसाइड हुआ कि भैया पुराने जो आर्टिकल है ना वो तो बेकार है। भाई लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिस्ट थ्री, इन तीनों लिस्ट में कहीं पर भी जीएसटी है ही नहीं है ना। एंट्री नंबर 97, 82, 83 सब बेकार की बातें। तो पुराने आर्टिकल फेल हो गए। फिर फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इंडिया का संविधान चेंज करते हैं। फिर एक अमेंडमेंट बिल बना, अमेंडमेंट बिल 122। फिर फाइनली बना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, और जहां से उसमें 3 आर्टिकल नए इंसर्ट किए गए। एक तो 246 ए इंसर्ट किया गया, एक 269 ए इंसर्ट किया गया और एक 279 ए इंसर्ट किया गया। तो सबसे पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए। एक बार इसकी हेडिंग पढ़ो, हेडिंग क्या है आपको और अच्छा लगेगा। आर्टिकल 246 कैपिटल ए की अगर आप एक बार हेडिंग चेक करोगे तो उसने क्लियर लिखा है इंसर्शन ऑफ न्यू आर्टिकल 246 ए, मतलब नया आर्टिकल इंसर्ट किया, पुराना नहीं, नया आर्टिकल इंसर्ट किया है। और क्या लिखा है? स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जीएसटी से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो सारे के सारे इस आर्टिकल के थ्रू आए हैं। तो अगर मैं कहूं कि जीएसटी की कहानी जो लिखी है वो इस आर्टिकल ने लिखी है। तो आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए जो है ना वो जीएसटी को देने वाला जन्मदाता है। बस ये बात ध्यान दो, यहीं से जीएसटी का जन्म हुआ है और कहीं से जीएसटी का जन्म नहीं हुआ। अब ये सामने बेयर लॉ है, मेरे खुद की लैंग्वेज नहीं है, ये प्योर बेयर लॉ है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पास किया था, उसी का पीडीएफ आपके सामने है। हम यहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि 246 कैपिटल ए में लिखा क्या हुआ है। आ जाओ जी, अब यहाँ पे एक बार सारे के सारे बच्चे आओ। ये देखो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे ये आपके स्क्रीन पर आपके सामने आर्टिकल 246 कैपिटल ए। टोटल मिला के यहाँ पे 2 क्लोज हैं, एक तो क्लोज नंबर 1 है और यहाँ पे एक क्लोज नंबर 2 है। अब सारे के सारे बच्चे चेक करते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना भाई। मुझे नहीं पता आपने आज तक लॉ को कैसे पढ़ा है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें बेयर लॉ पढ़ना आता है नहीं आता, मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह से इंटरप्रिटेशन ली है, बट अब तुम ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। तो आर्टिकल 246 ए का क्लोज नंबर 1 कहता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। कोई बच्चा मेरे को बताएगा इस लाइन का मतलब क्या है जी? जो गवर्नमेंट ने ये लाइन लिखी है, आप मेरे को बताओगे इस लाइन का मतलब क्या है? ये जो लाइन लिखी है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254 जी। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254 का मतलब है कि आर्टिकल 246 में या 254 में कुछ भी कहो सब भाड़ में जाओ। कुछ भी कहो, उन दोनों आर्टिकल में कुछ भी कहो, वो दोनों आर्टिकल भाड़ में जाएं। मुझे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता वो क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा, मुझे 1 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, वो दोनों आर्टिकल भाड़ में जाएं, जो मैं बोलूंगा वो सही है। तो नॉट विद स्टैंडिंग मतलब भाड़ में जाएं, मतलब कुछ भी लिखा ना वो भाड़ में जाएं। अरे जब मैं कहता हूं नॉट विद स्टैंडिंग, अब इन दोनों आर्टिकल को ओवररूल कर दिया, मतलब 246 ए ने इन दोनों आर्टिकल को ओवररूल कर दिया। तो मुद्दा ये निकल के आ रहा है 246 में है क्या? याद है 246 में क्या होता है? 246 में होता है 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। यूनियन पे लॉ बनाने वाली पार्लियामेंट, स्टेट पे लॉ बनाने वाली स्टेट असेंबली, और फिर कॉन्करेंट पे लॉ बनाने वाली दोनों होती हैं। इस आर्टिकल ने बोला भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, हमारे यहां पे कोई लिस्ट नहीं होती। फिर 254 ने बोला अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा तो प्रिवेल करेगी पार्लियामेंट, इसने बोला भाड़ में जाओ, अगर कोई कंफ्लिक्ट होगा तो पार्लियामेंट प्रिवेल नहीं करेगी, अपना अपना लॉ बनेगा। तो जो दो आर्टिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे इन आर्टिकल ने बोला उन दोनों को भाड़ में लेके जाओ, हम वो आर्टिकल फॉलो ही नहीं करवा रहे, हम वो आर्टिकल फॉलो ही नहीं करवा रहे भाई, इसको निकालो यहां से, हमें उस आर्टिकल को फॉलो करवाना ही नहीं है। तो उसमें कुछ भी लिखा हो वो सारी बातें बेकार के, जो हम बोलेंगे वो सही है। एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है जी, एक बार अब दोबारा से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे बहुत ध्यान सुनेंगे, बहुत ध्यान सुनेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन आर्टिकल 246 एंड 254। ध्यान रखना, बहुत ध्यान से पढ़ना। पार्लियामेंट, हाँ जी, क्या लिखा है, पार्लियामेंट कोमा, फिर यहाँ पे लिखा है एंड, फिर लिखा है सब्जेक्ट टू क्लोज टू, सब्जेक्ट टू क्लोज टू द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी इम्पोज बाय द यूनियन और बाय सच स्टेट। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली को पूरी पूरी पावर है जीएसटी का लॉ बनाने की। हम आर्टिकल 246 से कह रहे हैं हम, हाँ जी ओए इधर, हम मतलब आर्टिकल 246 ए, हम पार्लियामेंट और स्टेट दोनों को पूरी पूरी पावर दे रहे हैं जीएसटी का लॉ बनाने की, दोनों मिलके जीएसटी का लॉ बना सकती है। उसने बोला पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। मतलब फाइनली आर्टिकल 246 कैपिटल ए ने पावर दी उन दोनों को जीएसटी का लॉ बनाने की, तुम जीएसटी का लॉ बना सकते हो। बट बीच में एक वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट टू क्लोज टू। अब क्वेश्चन ये है सब्जेक्ट टू क्लोज टू जो बीच में एक वर्ड है इसका मतलब क्या है? पहले मेरे को सारे बच्चे बताओ सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है। मेरे को बस सारे बच्चे बस ये बोल दो सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है, बताओ। हाँ जी, सब्जेक्ट टू का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट टू का मतलब है कि सब्जेक्ट टू का मतलब होता है क्लोज टू। इसका मतलब होता है कि क्लोज वन क्लोज टू के अधीन है, क्लोज वन क्लोज टू के अधीन है, मतलब क्लोज वन क्लोज टू के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। क्लोज वन क्लोज टू को नमस्कार करेगा, क्लोज वन क्लोज टू से छोटा है। बात समझ रहे हो? तो उसने बोला कि भैया ध्यान रखना सब्जेक्ट टू क्लोज टू, अगर क्लोज टू में कुछ अलग लिखा है तो क्लोज टू प्रिवेल करेगा, क्लोज वन प्रिवेल नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक दूसरी बात बताओ, क्या ये सब्जेक्ट टू क्लोज टू जो ये वर्ड लिखा है, तो क्या ये वर्ड जो यहाँ पर लिखा है, क्या ये वर्ड पार्लियामेंट के आगे लिखा है या लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट के आगे लिखा है? ये वर्ड किसके आगे लिखा है बताओ जी, ये वर्ड किसके आगे लिखा है? ये वर्ड पार्लियामेंट के आगे लिखा है या ये वर्ड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट के आगे लिखा है? किन दोनों के आगे लिखा है बताओ जी? LOS के आगे लिखा है, पार्लियामेंट के आगे नहीं लिखा। ध्यान रखना पार्लियामेंट के आगे नहीं लिखा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है? हेलो ओए ओ अमन नालायक, पार्लियामेंट के आगे कहां लिखा? पढ़ना नहीं आ रहा क्या? पार्लियामेंट के आगे कहां पर है वर्ड भाई, कहां पे है? उसके बाद है। तो ये वर्ड जो मेरे बच्चे नालायक मेरे बच्चे, ये इसके आगे है, इसके आगे ये वर्ड दिया हो यहां पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि पार्लियामेंट को पूरी पूरी पावर है जीएसटी का लॉ बनाने की, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा रहे पार्लियामेंट के ऊपर। बट जब स्टेट असेंबली जीएसटी का लॉ बनाएगी, एक बार पहले वो क्लोज नंबर 2 देख ले। मतलब स्टेट को जीएसटी का लॉ बनाने की पावर तो है, हम ये नहीं कह रहे पावर नहीं है, पावर है, बस एक बार ना वो क्लोज नंबर 2 देख ले। क्योंकि अगर क्लोज नंबर 2 में कुछ अलग लिखा है तो वहां पर स्टेट को जीएसटी का लॉ बनाने की पावर नहीं होगी, हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं स्टेट के ऊपर जीएसटी का लॉ बनाने की, उन केस में जहां पर क्लोज नंबर 2 कवर हो जाता है। तो मतलब पार्लियामेंट को पूरी पूरी लॉ लगाने की पावर है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। पार्लियामेंट जहां चाहे वहां जीएसटी का लॉ लगा सकती है, स्टेट को भी जीएसटी का लॉ लगाने की पावर है। बट स्टेट जब जीएसटी का लॉ बनाएगा, एक बार पहले क्लोज 2 चेक कर लेगा, क्लोज 2 में अगर कुछ लिखा है तो वो प्रीवेल करेगा, क्लोज 1 प्रीवेल नहीं करेगा। बस ये पर ध्यान दो। तब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है सर क्लोज 2 में ऐसा क्या लिखा है, कहां स्टेट जीएसटी का लॉ नहीं बना सकती, कहां पर उसकी पावर को इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जी एक बार चेक करते हैं जी, इधर देखो ध्यान से जी क्या लिखा है। अब ध्यान से पढ़ना क्लोज 2, क्योंकि यहां पे लिखा है ना सब्जेक्ट टू क्लोज 2, तो क्लोज 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब यहां पे लिखा है पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। क्लोज 2 कह रहा है हम पार्लियामेंट को पूरी पूरी पावर दे रहे हैं जीएसटी का लॉ बनाने की। अब एक बच्चा कह रहा है समझ नहीं आ रहा, ऊपर पार्लियामेंट को भी पावर है, स्टेट को भी पावर है, और नीचे पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है। आगे पढ़ो पूरा, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ द प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। इट मींस अगर कोई सप्लाई, अगर कोई ट्रेड इंटर स्टेट हो रहा है, अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई हो रही है, तो इंटर स्टेट सप्लाई पर लॉ बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट होगी, वहां पर स्टेट लॉ नहीं बना सकती जी। अब देखता हूं मेरी क्लास में कितने बच्चे इंटेलिजेंट बैठे हैं, चाहे तुम्हारी चौथी क्लास, बट आई थिंक तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खुलना स्टार्ट हो चुका है। मेरे को सारे बच्चे आंसर देना। आपको मैंने कहा था जीएसटी में सप्लाई 2 तरह की होती है, एक तो होती है इंट्रा, एक होती है इंटर। इंट्रा पर जीएसटी लगता है सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, इंटर पर जीएसटी लगता है आईजीएसटी। मेरे को सारे बच्चे बता दो एज पर दिस आर्टिकल इंटर स्टेट सप्लाई पर जीएसटी का लॉ बनाने की पावर किसको दे दी गई, पार्लियामेंट। तो कैन आई से कि आईजीएसटी बनाने वाली पार्लियामेंट है, यस। अब अगर इंटर पर पावर पार्लियामेंट को दे दी गई है, तो जो ऊपर वाला क्लोज है जहां पर दोनों को पावर दी जा रही है, तो कैन आई से वो इंट्रा स्टेट सप्लाई के लिए है, आंसर इज यस। और आप चेक करो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लगते भी 2 जीएसटी हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी। तो सीजी बनाने की पावर पार्लियामेंट के पास है, एसजी बनाने की पावर स्टेट के पास है, और अगर आईजीएसटी है तो लॉ बनाने की पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। बस ये ध्यान दीजिए। तो इस तरह से हम लॉ की इंटरप्रिटेशन लेते हैं। अगर आप चेक करो क्लोज नंबर 1 में कहीं इंट्रा लिखा नहीं है, बट इंट्रा ही मतलब निकल के आ रहा है, क्योंकि जब इंटर क्लोज नंबर 2 में कवर हो गया तो क्लोज नंबर 1 में बचा ही क्या, इंट्रा ही तो बचा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी बनाने वाली दोनों है। आज अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो क्लोज नंबर, ध्यान रखना, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर जीएसटी बनाने वाली दोनों है, बट अगर वो सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है ना, तो जीएसटी बनाने वाली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट होगी। आईजीएसटी बनाने वाली पार्लियामेंट है, सीजीएसटी और एसजीएसटी बनाने वाली जो है वो दोनों है पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सर क्या ये कह सकते हैं क्लोज 1 में इंट्रा? हाँ बिल्कुल, वही तो मैं बताना चाह रहा हूं शिवानी, मैं यही तो कह रहा हूं मेरे बच्चे कि क्लोज नंबर 1 में इंट्रा स्टेट है, क्लोज नंबर 2 में इंटर स्टेट है, इंटर पे लॉ बनाने वाली ओनली पार्लियामेंट है, इंट्रा पे लॉ बनाने वाली दोनों हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों ने मिलकर बनाया है, आईजीएसटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ने बनाया है। बस ये पर ध्यान दो। यहां तक क्लियर है? ओनली एसजीएसटी इन हैंड्स ऑफ स्टेट असेंबली। हाँ, एसजीएसटी बनाने वाली स्टेट है और सीजीएसटी बनाने वाली सेंट्रल है। सर यूटी बनाने वाली भी तो पार्लियामेंट हुई ना। ना 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 मेरे भाई, यूटी कंट्रोल में है सेंट्रल के, यूटी कंट्रोल में है सेंट्रल के। तो क्लोज नंबर 1 चेक करो, उसने क्लियरली कह दिया कि जहां पे यूनियन की बात होगी वहां पर पार्लियामेंट है। तो यूटी जीएसटी एक्ट तो मैंने पहले भी कहा था, यूटी जीएसटी एक्ट बनाने वाली ही सेंट्रल है, पार्लियामेंट है, ठीक है ना। तो यहां तो बात चल रही है स्टेट की। अब मैं लास्ट टाइम कंक्लूड कर रहा हूं भाई। अब यार कौन है बच्चा? दर्शन। आईजीएसटी का पैसा किसको मिलेगा वो हम देखेंगे आर्टिकल 269 कैपिटल ए में, ठीक है। एक मैंने कहा था ना 269 कैपिटल ए है अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो कैसे बटेगा, किसको मिलेगा, वो सारी बातें उस आर्टिकल की हैं, ठीक है ना। अभी सिंपलिसिटी के लिए बस हम ये समझ रहे हैं कि जीएसटी लेकर कौन आया। तो मैं दोबारा बोलूंगा, दो तरह की सप्लाई है, इंट्रा इंटर, ठीक है। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर लो को बनाने वाली पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों है, इंटर पर लो को बनाने वाली ओनली पार्लियामेंट है। जो सीजीएसटी और एसजीएसटी है ये इसको दोनों ने बनाया है, और जो आईजीएसटी है इसको बनाने वाली जो है पार्लियामेंट है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात 246 कैपिटल ए में लिखी हुई है, क्लोज नंबर 1 और क्लोज नंबर 2 में लिखी हुई है, बस ये बात ध्यान दो। प्रज्वल देखेंगे अभी सब सेक्शन और क्लोज में क्या फर्क है, उसको भी देखेंगे हम। डन, यहां तक लोग कर दूं? चलो अच्छा, अभी ये आर्टिकल खत्म नहीं हुआ। अब इस आर्टिकल के नीचे यहां पे दे रखी है एक्सप्लेनेशन। अब ये एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, देखो जी एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, कहती है द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल। अच्छा, प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल का मतलब होता है 246 कैपिटल ए। सर आईजीएसटी मतलब, मेरे भाई आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, एसजीएसटी मतलब स्टेट, और आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेट मतलब दोनों को मिला के, ठीक है। कह रहा था प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल मतलब 246 कैपिटल ए शेल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेफर्ड टू इन क्लोज 5 ऑफ 279 ए टेक इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। अब ये कहना चाह रहा है, ध्यान सुना, ये कहना चाह रहा है, एक्सप्लेनेशन कहना चाह रही है कि कुछ गुड्स ऐसे हैं जो आर्टिकल 279 ए के क्लोज नंबर 5 में, उन गुड्स पर इस आर्टिकल के प्रोविजन तब तक नहीं लगेंगे जब तक जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगी। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो भी इसमें गुड्स हैं उस पर जीएसटी अभी नहीं लगेगा। कब लगेगा? जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से उस पर जीएसटी लगेगा जी। अब मुद्दा क्या आ रहा है, उसमें गुड्स कौन कौन से हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बोल देता हूं, आपको मैं दिखा भी देता हूं। आर्टिकल 279 कैपिटल ए और आपके सामने क्लोज नंबर 5, ये राजे देखो। अब चेक करना यहां पे गुड्स कौन कौन से निकल के आ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 279 कैपिटल ए क्लोज नंबर 5, ये आपके सामने देखो जी। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल शेल रिकमेंड द डेट ऑन विच द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बी लेविड ऑन पेट्रोलियम क्रूड, ओहो हो, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल। आज तुम्हें लॉजिक पता लगेगा, तुम कहते थे ना पेट्रोल पे नहीं है, पेट्रोल पे नहीं है, पेट्रोल पे नहीं है। आज तुम्हें लॉजिक पता लगेगा पेट्रोल पे क्यों नहीं है, पेट्रोल पे क्यों नहीं है। आर्टिकल 246 कैपिटल ए की एक्सप्लेनेशन से बाहर निकाला हुआ है गवर्नमेंट ने, कहा इन पे जीएसटी तब लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा जीएसटी काउंसिल कौन होती है, वो हम डिस्कस करेंगे 279 कैपिटल ए मंडे को। बस इतना समझ लो कि जीएसटी काउंसिल है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वो जिस दिन हमें कह देगी ना कि पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लगेगा, उससे पहले नहीं लगेगा। बट लीकर पे जीएसटी अभी नहीं, कभी नहीं। मैं दोबारा बोलूंगा, लीकर पे जीएसटी अभी नहीं, कभी नहीं। पेट्रोल पे जीएसटी अभी नहीं, जिस दिन जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी उस दिन से पेट्रोल पे जीएसटी लग जाएगा, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया इन गुड्स पे जीएसटी हम तब से एप्लीकेबल करेंगे जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी, उससे पहले इन गुड्स पे जीएसटी हम एप्लीकेबल नहीं करेंगे, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है। अब मैं पूरा आर्टिकल कंक्लूड करने जा रहा हूं, कंक्लूड करने जा रहा हूं। इधर देखो आर्टिकल नंबर 246 ए जहां से जीएसटी बना, दो क्लोज, क्लोज नंबर 1, क्लोज नंबर 2। क्लोज नंबर 1 इंट्रा स्टेट सप्लाई का, क्लोज नंबर 2 इंटर स्टेट सप्लाई का। इंट्रा पे लॉ बनाने वाली पार्लियामेंट एंड स्टेट दोनों, इंटर पे लॉ बनाने वाली ओनली पार्लियामेंट, ठीक है। इंट्रा पे जीएसटी लगेगा आपका यहाँ पे सीजीएसटी प्लस में एसजीएसटी, इंटर पे लगेगा ओनली आईजीएसटी। तो ये दोनों बनाने वाली ये दोनों हैं, ये बनाने वाली ओनली पार्लियामेंट है। बट 5 गुड्स ऐसे हैं जिसपे ना तो ये लगेगा और ना ही ये लगेगा। इन पे जीएसटी तब लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी। वो पांच गुड्स कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। इन पे जीएसटी लगेगा जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी। इनको छोड़कर कोई भी गुड्स होगा सभी पे जीएसटी एप्लीकेबल है। तो इन गुड्स पे टेम्परेरी बेस पे जीएसटी से बाहर है, लीकर परमानेंट बेस पे जीएसटी से बाहर है, और पेट्रोल जो है वो टेम्परेरी बेस पे जीएसटी से बाहर है। लीकर पे जीएसटी लाने के लिए संविधान अमेंड करना पड़ेगा। इस पे संविधान अमेंड नहीं करना, इसमें संविधान में ही लिखा हुआ है कि जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड कर देगी इस पे जीएसटी उस दिन से लगना स्टार्ट हो जाएगा। बस ये बात ध्यान दीजिए। क्या बात क्लियर है या नहीं है जी? बोलो, डन? पक्का पक्का? ऐसा करो फटाफट से, फिर ऐसा करते हैं एक बार आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए लिखते हैं जी। आ जाओ, अब लिखो यहां पे जी, लिखो कैपिटल ए स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी। जी जी कुशल, पेट्रोल और लिकर पे भी वैट सीएसटी एप्लीकेबल हो रहे हैं जो ओल्ड टैक्सीज हैं। आर्टिकल 246 ए ओवर रूल्ड। आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 254 ये ओवर रूल कर रहे हैं जी। आर्टिकल 246 ए (246A1), A2 इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई पर प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट ओनली, सिर्फ सॉरी पार्लियामेंट एंड, प्रोविजन मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, दोनों ने मिलके बनाया। इस पे made by only parliament, यहाँ पे only parliament, यहाँ पे parliament and state, ठीक है। इस वाले केस में जीएसटी जो हम चार्ज करते हैं CGST प्लस में SGST, CGST प्लस में UTGST, और इसमें जो हम GST चार्ज करते हैं यहाँ पे हम चार्ज करते हैं IGST, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ज करते हैं IGST। अब ये CGST का रेवेन्यू जो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी का रेवेन्यू टू कंजम्पशन स्टेट और यूटी जीएसटी का रेवेन्यू एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है क्योंकि कंट्रोल करने वाली सेंट्रल है। आईजीएसटी का रेवेन्यू जो है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही जाता है। अब क्या ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है या आगे कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 269 कैपिटल ए में नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। अब ये जो भी जीएसटी ऊपर लिख रहे हो आप तो इसमें अबव जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन फॉलोइंग गुड्स। ऊपर वाला जीएसटी इन नीचे दिए गए गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। किन पे? पेट्रोलियम क्रूड, एचएसडी हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट, इसको हम बोलते हैं पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, और नेचुरल गैस। ठीक है, इन सभी गुड्स पे जीएसटी ऑन दीज गुड्स विल बी एप्लीकेबल on the date when GST Council recommended, जब GST Council recommend करेगी तब से इस पे GST applicable होगा, बस ये बात ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आई थिंक अब जाके आपको आर्टिकल नंबर 246 ए समझ में आ गया होगा कि 246 ए है क्या। सर क्लोज 5 में लेवी है पर कलेक्शन नहीं होता, ये सही है? हाँ, कह सकते हो जी, बिल्कुल कह सकते हो जी, बिल्कुल कह सकते हो मेरे दोस्तों, बिल्कुल कह सकते हो जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल ए हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, बस ये पर ध्यान दो जी। Sir, today's lecture 4 is fitted 100% in mind. Thank you so much. Amazing and best teacher for text. बस बवाल कर दो, मार्केट में बवाल मचा दो, तबाही मचा दो, तबाही ऐसे ऐसे मैसेज करके तबाही मचा दो ठीक है नी, चलो ठीक है। तो एक बार ये सारे बच्चे इसकी रिवीजन कर लेना और ज्योति एक बार मेरे को नोट्स भेज देना, ठीक है। नोट्स में अपलोड कर दूंगा वही आपके उसके लिंक पे। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, ठीक है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल, पेट्रोल के नीचे क्या लिखा है? एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर क्लोज 5 कौन सा बोल रहे हैं? आर्टिकल 279 कैपिटल ए का, आर्टिकल 279 कैपिटल ए का क्लोज नंबर 5 बोल रहे हैं, ठीक है जी। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा। फिर मिलते हैं मंडे को सेम टाइम पर 2:30 सेम जगह। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।